हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। सभी का स्वागत है लिंकिंग लॉज के इस लाइव स्ट्रीम में। और आप सभी को आज मैं बताना चाहूंगा कि आज का ये डेली 20 का सेशन है, बहुत ही स्पेसिफिक, सटीक और एक सिंपल सेशन रहने वाला। वी आर गोइंग टू टेक अ वेरी शॉर्ट सेशन, वेरी स्वीट सेशन, इट इज गोइंग टू बी क्रिस्प सेशन, राइट। तो अगले 30-40 मिनट में हम जो सेशन के अंदर सीखने वाले हैं, आई होप दैट आप सभी का एक एक्टिव पार्टिसिपेशन उसके अंदर देखने को मिलेगा। एंड ऑल ऑफ यू मस्ट ऑल्सो बी इन पोजिशन टू सी दैट हम बहुत ही जल्दी हरियाणा जुडिशरी के एग्जामिनेशन के अंदर भी एक स्पीड वे में, स्पीडी वे में, प्रिसाइज वे के अंदर एक यहाँ पे आपके पास में लेके आने वाले हैं मैराथन क्लासेस, ठीक है। तो इस मंथ के एंड में और अगले मंथ के स्टार्ट के अंदर यू विल बी सीइंग दैट मोर देन 7 to 10 क्लासेस विल बी डेडिकेटेड फॉर द अपकमिंग हरियाणा जुडिशरी जीके एग्जामिनेशन, ठीक है। उसकी प्लेलिस्ट अलग से होगी और जो आपको टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू इंटीमेट भी किया जाएगा। चलिए आज की क्लास को यहीं से शुरू करते हैं, एंड इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज लेट मी नो, ठीक है। आपको कोई डाउट रहता है और पार्टिसिपेट जरूर करना है इस क्विज के अंदर, एवरी क्वेश्चन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट सर एंड मैम, राइट। आई होप दैट आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन रहेगा इस क्लास के अंदर। चलिए लेट अस स्टार्ट द क्लास। वी ऑलवेज स्टार्ट द क्लास विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड, एंड आई टेल यू दैट मायसेल्फ जगदीश चंद्र जांगिड एंड आई शैल बी डीलिंग योर जीके एंड द करंट अफेयर फॉर द जुडिशरी एग्जामिनेशन। सर 18 से ज्यादा राज्यों के जुडिशरी एग्जामिनेशन में प्री और मेंस के अंदर जीके पूछा जाता है। कुछ करंट इवेंट्स और लीगल जीके का पॉइंट ऑफ व्यू से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि आप इन सेशन के थ्रू बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में उसको सीख पाए, ठीक है। इसके अलावा हम हर क्लास के सेशन को यहाँ पे डेडिकेट करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले क्रेडिट में देना चाहूंगा ऑल ऑफ द जर्नलिस्टिक्स न्यूज पेपर सोर्सेस, ऑनलाइन ऑफलाइन प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया, ऑल ऑफ देम, जो हमारे एक्सपीरियंस और लर्निंग को एनरिच करते हैं डेली बेसिस के ऊपर। वी डेफिनेटली एक्सटेंड द ड्यू क्रेडिट टू ऑल ऑफ देम, एंड डेफिनेटली द कंटेंट हियर इज टू बी यूज फॉर द टीचिंग एंड एजुकेशन पर्पसेस स्पेसिफिकली। सर एंड मैम, आज मेरी यह क्लास के अंदर मैं बताना चाहूंगा आप सभी को कि हियर वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस अबाउट द एमसीक्यूज, मेजर जो एमसीक्यूज है हम उनको यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं, और एमसीक्यू प्रैक्टिस के साथ साथ में हम डिस्कशन भी करते हुए चलेंगे। तो आपका पार्टिसिपेशन जो है वह इस क्लास के अंदर बेहद आवश्यक रहने वाला है दोस्तों, ठीक है। जल्दी से बता देंगे, सबसे पहले ऑडियो वीडियो बोथ क्लियर सो दैट I have the liberty to move ahead, sir and ma'am. Okay, is audio video clear to all of you, sir and ma'am? I hope so. अगर आपको यहाँ पे Telegram follow करना है, you can find out these Telegram handles, Linking Law, Unacademy Linking Laws and Unacademy Law. You can follow me at there as well. यहाँ पे class का schedule और links दोनों share किए जाएंगे। Specifically कोई और query है तो भी आप इन channels के माध्यम से हमको forward कर सकते हैं admin section के अंतर्गत, ठीक है। We are moving forward. आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, बेहद ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इट वॉज इन द न्यूज पेपर्स थ्रू आउट द कंट्री एंड इंटरनेशनली एज वेल। चलिए आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। इंडियन हाइड्रोग्राफर हु वॉन द अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड गिवन टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, है ना। अभी हाल ही में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के किस हाइड्रोग्राफर को, सर हाइड्रोग्राफर का क्या मतलब है कि जो समुद्री सतह है उसको बेसिकली यहाँ पे क्या करने की कोशिश की जा रही है, उसको ग्राफ करने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे जैसे आपका ग्राफ टोपोग्राफी का बनता है जमीनी सतह का, समुद्री सतह का यहाँ पे ग्राफ करना उसको कहा जाता है टोपो हाइड्रोग्राफी। तो अभी हाल ही में ब्रिटिश सरकार के द्वारा अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड दिया गया है इसके लिए, ठीक है ना। किनको दिया गया, किस भारतीय हाइड्रोग्राफर को यह अवार्ड दिया गया है? विनय बाधवर, करमबीर सिंह, आर हरि कुमार एंड अनिल कुमार चावला। जल्दी से इसका आंसर पोस्ट करने वाले हैं नीरज जी, ममता जी एंड एवरीवन ऑफ यू हु इज लिसनिंग दिस लाइव राइट नाउ। और जल्दी से इस क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए अपनी कम्युनिटी के अंदर एज सून एज पॉसिबल सर एंड मैम, राइट। सर हाइड्रोग्राफर्स के अंदर देखा जाए तो ऑब्वियसली यहाँ पे समुद्री सुरक्षा और समुद्र से रिलेटेड कुछ काम होने वाला। तो जब ये ओशन पे काम करेगा तो ऑब्वियसली हमारी इंडियन नेवी इसके अंदर काम करने वाली, इंडियन नेवी काम करने वाली। तो इंडियन नेवी के कौन हाइड्रोग्राफर हैं जो अभी हाल ही में न्यूज में रहे थे? ही इज द विनय बाधवर। क्या नाम है इनका? विनय बाधवर जी। सर विनय बाधवर सर हैं, इनको ये कौन है, हमारे इंडिया के चीफ हाइड्रोग्राफर हैं और इंडियन नेवी के अंदर वाइस एडमिरल की पोस्ट के ऊपर पद स्थापित हैं ये, ठीक है ना। इनको भी हाल ही में ब्रिटिश सरकार की तरफ से अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड दिया गया। सर यह अवार्ड बार बार न्यूज में आता है, आपको पता होना चाहिए। तो अंडर वाटर जो भी टेरेन है ना, तो कहां पे आपके पास में माउंटेन्स हैं, रिजेस हैं, फ्लैट्स हैं, डिप्स हैं, रिफ्ट हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है हाइड्रोग्राफी के थ्रू पता चलती है, एंड ही इज द पर्सन नोन इज द हाइड्रोग्राफ, ठीक है सर।
तो इनके काम को रिकॉग्निशन देने के लिए हाइड्रोग्राफी और नॉटिकल कार्टोग्राफी के लिए इनको यह प्राइस दिया जाता है ब्रिटेन के द्वारा। अवार्ड जो है आपके पास में, दुनिया के पहले हाइड्रोग्राफर है ब्रिटिश एडमिरल्टी के, उनके याद में 2006 के अंदर दिया जाना शुरू हुआ। वाइस एडमिरल बदवर कन्फर्ड विद द अवार्ड इन द 2019, बट द अवार्ड सेरेमनी वॉज हेल्ड रिसेंटली ड्यू टू द पैंडेमिक। यह अवार्ड 2019 में इनको दिया गया था, पर अब 2021 में जाते हुए इस अवार्ड की सेरेमनी को कंडक्ट किया गया है। ड्यू टू द पैंडेमिक यह अवार्ड 2 साल लेट डिलीवर हुआ है। ठीक है सर, गुड आफ्टरनून सभी को, आकाश जी, सुजीत जी, वनीता जी, साक्षी जी, फाहिम जी, एवरी वन ऑफ यू, राइट। तो आई होप दैट दिस क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर टू यू। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज जरूर बताइएगा, और इसका आंसर जरूर लिख के बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैज रोल्ड आउट अ कस्टमाइज्ड स्पेस थीम्ड मर्चेंडाइज प्रोग्राम। देखिए यहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, भारत सरकार का, जिसने अभी हाल ही में जो है स्पेस थीम मर्चेंडाइज प्रोग्राम जो है शुरू किया है। ठीक है ना, किसने किया है सर आपके पास में? DRDO, रक्षा अनुसंधान संस्थान, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हाल इसको हैल कहा जाता है आपके पास में, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, या फिर बिल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। कौन है सर जल्दी से बताएंगे? किसने अभी हाल ही में कस्टमाइज्ड स्पेस थीम के ऊपर मर्चेंडाइज प्रोग्राम शुरू किया है? As usual, you all are having 15 to 20 seconds to answer the question, and definitely will be moving forward with the class. I look forward. Yes, one of them has given the answer as well. I look forward for others also to participate in the same way, sir. Yes. Obviously, we are talking about the Indian Space Research Organization, ठीक है ना सर? Space theme के ऊपर merchandise जो है अभी प्रोग्राम इन्होंने तैयार करके दिया है। चलिए आइए इसके बारे में सीखते हैं। इसरो ने अभी हाल ही में कस्टमाइज स्पेस थीम मर्चेंडाइज प्रोग्राम शुरू किया है। यहाँ पे जो 8 कंपनी ने रजिस्टर किया है पार्टनरशिप करने वाली, ये 8 कंपनियां इसरो के साथ में इस प्रोग्राम की, ठीक है ना। यहाँ पे जो भी इंटरेस्टेड पर्सन रहेगा, दे विल बी एबल टू परचेज ऑथराइज्ड प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू द इसरोस मिशन एंड वर्क, सच एज द स्केल मॉडल, टी शर्ट, स्पेस थीम एजुकेशनल गेम्स, साइंस टॉयज एंड अमंग अदर। द ब्रांड प्रमोशन एक्सरसाइज विल क्रिएट अवेयरनेस एंड इंटरेस्ट अमंग द स्टूडेंट्स एंड द चिल्ड्रन एंड पब्लिक फॉर द स्पेस साइंस एंड द टेक्नोलॉजी। सर यहाँ पे आपके पास में मर्केंडाइज का क्या मतलब हुआ सर? जो सामान बेचा जा सकता है स्पेस थीम के ऊपर, है ना, तो स्पेस थीम के ऊपर कुछ टॉयज हो सकते हैं आपके पास में, कुछ टी शर्ट हो सकते हैं, कुछ स्पेस मॉडल हो सकते हैं, ठीक है ना। यह बच्चों को बेसिकली बेचा जाएगा मार्केट के अंदर, यह चीजें बेची जाएगी कस्टमाइज तरीके से, ठीक है ना। तो सर इससे क्या होने वाला है? यह 8 कंपनियां इसरो के साथ में पार्टनरशिप करेगी और बच्चों तक यह सामान बेचा जाएगा, आम जनता को, आम पब्लिक को। और इससे क्या होने वाला है? इससे बेसिकली अवेयरनेस बढ़ने वाली है लोगों को स्पेस साइंस के लिए, और स्पेस के अंदर इसरो के प्रोग्राम्स क्या है उसके लिए एक अवेयरनेस बढ़ेगी। ऑब्वियसली जब बच्चों का इंटरेस्ट इस तरफ जाएगा, जब उनका इंटरेस्ट इस तरफ जाएगा, दे विल बी एबल टू परफॉर्म वेरी नाइस वे, राइट सर। मूविंग अहेड, अगला क्वेश्चन है फर्स्ट एवर वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे। तो सर वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे की बात की जाए, ड्राउनिंग का क्या मतलब होता है? इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन द विच डेट सर? 2 जुलाई, 21, 25, 28 और 31। ड्राउनिंग का क्या मतलब होता है? डूबना। ड्राउनिंग का क्या मतलब होता है? डूबना। जल्दी से बताएंगे, वर्ल्ड इंटरनेशनल वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे कब मनाया जाता है सर? जल्दी से बताएंगे। यस सर, दिस इज सेलिब्रेटेड ऑन द 25th ऑफ जुलाई। सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं एक चीज यहाँ पे और शेयर करना चाहूंगा, ड्राउनिंग मतलब डूबने के कारण कई लोगों की मृत्यु होती है प्रतिवर्ष। तो पहला सो जो वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे जो है यहाँ पे इस साल से मनाया गया है ना, 25 जुलाई 2021 से। ये कोऑर्डिनेट किया गया है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है, जो आम सभा है, उन्होंने एक रेजोल्यूशन जो पारित किया है ग्लोबल ड्राउनिंग प्रिवेंशन को लेकर के अप्रैल माह के अंदर। एस्टिमेट किया जाता है कि लगभग 2,36,000 लोग जो है हर साल डूबने से मृत्यु होती है। ड्राउनिंग अमॉन्ग द 10 लीडिंग कॉजेज ऑफ द डेथ ऑफ द चिल्ड्रन इज द 5 to 14 ईयर। तो ज्यादा से ज्यादा सर हर वर्ष 2.5 लाख से ज्यादा लोग वर्ल्ड वाइड मारे जाते हैं डूबने के कारण। तो क्या रीजंस हो सकते हैं उसके कारण, ठीक है ना। और 5 से 14 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं उनकी जो डेथ के रीजंस होते हैं ना, वन अमॉन्ग द लीडिंग रीजन यह भी होता है डूबने से मृत्यु हो गई। तो सर व्हाई इट इज हैपनिंग, व्हाट आर द थिंग्स, इसकी अवेयरनेस के लिए यहाँ पे 25 जुलाई का जो दिवस है WHO के द्वारा यहाँ पे एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, तो दिस डे इज फॉर द ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे। क्या याद रख लेंगे? कैन वी जस्ट रिमेंबर दिस? सुजीत, साक्षी, फाहिम, नीरज, एवरीवन,
अगला क्वेश्चन दोस्तों के लिए है, आजादी की शौर्य गाथा, आजाद की शौर्य गाथा, यह एक एग्जीबिशन, एक प्रदर्शनी लगाई गई है, विच वॉज ऑर्गेनाइज, विच वॉज इनॉग्रेटेड रिसेंटली, इट इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ द विच फ्रीडम फाइटर, तो कौन से यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे यहाँ पे आजाद की शौर्य गाथा जो है यह इस नाम का एग्जीबिशन, यह प्रदर्शनी लगाई गई है, चंद्रशेखर आजाद के नाम के ऊपर, या भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, अथवा रानी झांसी की रानी, है ना, रानी ऑफ झांसी। आकाश जी जल्दी से इसका आंसर देंगे। सर आप प्रश्न के अंदर ही इसका उत्तर भी छुपा हुआ है, अगर आप कॉमन सेंसिकल वे से देखेंगे सर देन यू विल बी एबल टू फाइंड एंड गिव मी द आंसर ऑफ द सेम। सर एंड मैम राइट, शाबाश। सर हम यहां पे बात कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद, किसकी बात कर रहे हैं सर, चंद्रशेखर आजाद की। चंद्रशेखर आजाद का जो एक तरीके से फ्रीडम जो एक तरीके से जो स्वतंत्रता आंदोलन था, फ्रीडम स्ट्रगल थी, उसके अंदर जो योगदान रहा है, ठीक है ना, फ्रीडम फाइटर के अंदर, ठीक है ना, तो उनकी लाइफ को एग्जीबिशन के थ्रू यहाँ पे आजादी का शौर्य गाथा के नाम से क्या किया गया है, वापस एक तरह से एग्जीबिट किया गया है जनता को। तो हमारे जो कल्चर मिनिस्टर हैं, ठीक है ना, और पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, राजस्थान से एमपी हैं अर्जुन राम मेघवाल जी, है ना, इन्होंने हाल ही में इनॉग्रेट किया है एग्जीबिशन को आजादी की शौर्य, आजाद की शौर्य गाथा, ऑन द लाइफ ऑफ द मार्टियर चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद को मार्टियर कहा जाता है, इन्होंने बेसिकली अपनी स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर कई ऐसी जो है रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज की थी, एंड दैट इज व्हाई ही जस्ट नेवर वांटेड टू बी कॉट, राइट, एंड मीनवाइल इन द सेम प्रोसेस ही बेसिकली इवेंचुअली डाइड, राइट, सो यू मस्ट बी रिमेंबरिंग दैट ही इज द मार्टियर, राइट, एंड द एग्जीबिशन इज इनॉग्रेटेड बाय द इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर, दिल्ली के अंदर हुआ है। तो यह किसका पार्ट है, आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी के 75 साल पूरे हुए हैं, हमने 75th ईयर ऑफ कंट्री की फ्रीडम सेलिब्रेट करनी है, और एक सीरीज ऑफ प्रोग्राम चल रहे हैं हर मंत्रालय के द्वारा। तो यहाँ पे कल्चर मिनिस्ट्री क्या कर रही है, कल्चर मिनिस्ट्री आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है, और उसी के अंदर यहाँ पे एक एग्जीबिशन रखा है उनने आजाद की शौर्य गाथा। शौर्य का क्या मतलब हो गया, पराक्रम का क्या मतलब हो गया, करेज, करेज कि कैसे उनका शौर्य था, क्या उनका करेज था। आर वी क्लियर विद दैट, आर वी क्लियर विद दैट, आई होप दैट वी आर वेरी मच क्लियर विद दैट, रुक्षा, अजीत एंड सुजीत एंड एवरीवन ऑफ यू, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द केरला के वेट डॉक्टर ने रिसेंटली एक पेशेंट को रिसीव किया है, जिन्होंने पेटेंट, एक पेटेंट रिसीव किया है फॉर इन्वेंटिंग बायोडीजल फ्रॉम विच प्रोडक्ट। इन्होंने अभी क्या क्या है, केरला के जो एक वेट डॉक्टर है ना, वेटरनरी डॉक्टर जिनको कहा जाता है, इन्होंने अभी हाल ही में एक पेटेंट, एक नया आविष्कार किया, और उस आविष्कार को पेटेंट भी करवाया। उन्होंने बेसिकली बनाया बायोडीजल, बायोडीजल, ठीक है ना, एक तरीके से फ्यूल बनाया इन्होंने। किस चीज से वो फ्यूल बनाया, कांच से, रुई से, चिकन के वेस्ट से, या फिश के वेस्ट से। सर चिकन के वेस्ट से, फिश के वेस्ट से, रुई से, अथवा कांच से। सर बहुत ही शानदार है सर, डीजल बनाया जा रहा है, किस चीज से बनाया गया दोस्तों, गिव मी द आंसर। शाबाश नीरज, वेरी गुड, रिया वेरी गुड, हिमांकु जी वेरी गुड, साक्षी जी शाबाश। अच्छा जल्दी से इस सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए अपनी कम्युनिटी के अंदर, दैट विल बी अ ग्रेट हेल्प एंड सपोर्ट फ्रॉम योर साइड, ठीक है। सर अभी केरला के जो एक वेट डॉक्टर हैं, उन्होंने बेसिकली जॉन एब्राहम नाम है उनका, क्या सर, जॉन एब्राहम, वो एक्टर नहीं, जॉन एब्राहम, वो भी बेसिकली केरला से ही है, बट ही इज नॉट द पर्सन वी आर टॉकिंग अबाउट, वेटरनरी डॉक्टर टर्न इन्वेंटर है ये। इन्होंने अभी हाल ही में एक पेटेंट रिसीव किया है, इन्होंने इन्वेंट किया है कि बायोडीजल कैसे बना सकते हैं हम स्लॉटर्ड चिकन वेस्ट से, है ना सर। तो सर जब चिकन को स्लॉटर किया जाता है, उसको काटा जाता है, तो कई वेस्ट पदार्थ निकलते हैं, और उस वेस्ट पदार्थों से बेसिकली हम कैसे बेसिकली क्या बना सकते हैं, बायोडीजल बना सकते हैं। बायोडीजल ऑफर माइलेज ऑफ ओवर 38 किलोमीटर प्रति लीटर, है ना, तो सर लगभग इसके 38 किलोमीटर प्रति लीटर की है, और 40% ऑफ द करंट प्राइस के ऊपर मिल जाएगा। तो जैसे सपोज डीजल अभी 100 रुपए का है, तो ये बायोडीजल जो है 40 रुपए का पड़ने वाला। इट इज एक्सपेक्टेड टू लोअर द एयर पॉल्यूशन, प्लस इसमें कंबस्टन भी कम होगा, कंबस्टन कम होगा, एग्जॉशन कम होगा, और CO2 का उत्सर्जन भी कम होगा। इंडियन पेटेंट ऑफिस ने हाल ही में ये पेटेंट दिया है, बायोडीजल प्रोड्यूस फ्रॉम रेंडर्ड चिकन ऑयल। तो जो चिकन ऑयल होता है, रेंडर्ड चिकन ऑयल होता है, उसी ऑयल से बायोडीजल बनाया जा सकता है। Isn't it very innovative, sir and ma'am? आपको क्या लगता है, innovative है या नहीं है? Yes, it is innovative, sir. ठीक है, चलिए आगे की इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। एक और इंपॉर्टेंट सी कि भारत के कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लोगों ने यहाँ पे कंज्यूम किया है हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ द फिश। किस राज्य के अंदर सबसे ज्यादा फिश कंज्यूम की जाती है, केरला में, अथवा गुजरात में, या लक्षद्वीप, अथवा छत्तीसगढ़ के अंदर? सर आपको ये पता होना चाहिए,
ये है हमारा सदर्न इंडिया, इंडियन पेनिनसुला, ठीक है ना। तो कौन सा राज्य है, गुजरात तो यहां पे आ गया ऑलमोस्ट, ठीक है ना, और छत्तीसगढ़ ऑलमोस्ट ये यहां पे आ गया है, बीच वाला एरिया, ठीक है ना, बॉर्डर पे नहीं है, थोड़ा सा अंदर है। फिर आ गया है आपके पास में लक्षद्वीप, तो ऑल टुगेदर पूरा का पूरा आइलैंड है। और फिर है केरला। किसने सबसे ज्यादा फिशेस कंज्यूम की होगी सर, सोच के सोचो। आई नो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। शाबाश, वेरी गुड साक्षी, बिल्कुल। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून परवीन जी, नमस्कार सभी को। यस सर, यहां पे हम बात कर रहे हैं इस लक्षद्वीप की। किसने सर, लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी। यह जो है भारत के अंदर सबसे ज्यादा फिश कंज्यूम करने वाला एरिया बनता है। तो रिसेंट डेटा जो प्रोड्यूस हुआ है लोकसभा के अंतर्गत, फिश कंजम्पशन भारत के अंदर देखा जाए तो लक्षद्वीप के लोगों ने 105 केजी फिश जो है पर पर्सन ईट किया है पिछले साल के अंदर। दे ईट 300 ग्राम्स ऑफ द फिश एवरीडे, हर रोज 300 ग्राम फिश एक आदमी खाता ही खाता है। पीपल ऑफ हरियाणा नीड ईयर ऑफ ईयर टू कंज्यूम एज मच दिस एज मच, ठीक है ना। द नेशनल एवरेज वॉज एट अराउंड 6.46 केजी पर ईयर। अंडमान निकोबार आइलैंड केम द सेकंड, और दूसरा नंबर कौन है सर, अंडमान है, ठीक है ना। पर कैपिटा कंजम्पशन यहाँ पे 59 केजी रहता है। तो ये सर लक्षद्वीप में लोग सर लगभग कितना 105 केजी पर फिश, फिश पर पर्सन जो है एक साल में खा जाते हैं, 100 केजी खा जाते हैं सर एक साल के अंदर। और फिर आता है आपके पास में अंडमान निकोबार के लोग लगभग 60 केजी प्रति साल खा जाते हैं। त्रिपुरा है जो थर्ड पोजिशन के ऊपर रहता है, यहाँ पे 25 किलो फिश खाई जाती है प्रति व्यक्ति के द्वारा। और लगभग जो क्वांटिटी फिश कॉट ऑन द कंट्री इज अराउंड 141 लाख टन, 30% ऑफ विच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द आंध्र प्रदेश। तो सबसे ज्यादा फिश प्रोडक्शन कौन करता है, सबसे ज्यादा फिश प्रोड्यूस की जाती है, मतलब एक तरीके से फिश को कैच करना, प्रोड्यूस तो कौन ही करेगा, आंध्र प्रदेश के द्वारा ना। तो इंडिया के अंदर जितना भी फिश प्रोडक्शन है उसका 30% आंध्र प्रदेश से आता है। सबसे ज्यादा कंज्यूम कौन करता है, खाता कौन है सबसे ज्यादा, तो सर हमारा हो गया लक्षद्वीप। नंबर दो कौन है, अंडमान। और नंबर तीन कौन है, त्रिपुरा। सर देखिए छोटी छोटी सी जगह है पर यहाँ पे बेसिकली, अब लक्षद्वीप के अंदर इतना ज्यादा बेसिकली क्या नहीं है, ये एक तरीके से क्या है आपके कोरल रीफ आइलैंड। क्या है सर, ये कोरल रीफ आइलैंड है, कोरल के ऊपर मुंगे की चट्टान पे बना हुआ है। इतना कोई ज्यादा बड़ा कोई एग्रीकल्चर है नहीं वहां पे। तो क्या मिलेगा, मछुआरे हैं पानी में जाएंगे मछली पकड़ के लाएंगे और वही कंज्यूम करेंगे, वही वहां का स्टेपल फूड हो जाता है ना। नेक्स्ट अंडमान, सेम स्टोरी चल रही है सर आपके पास में। इसीलिए कहते हैं कि आपकी ज्योग्राफी आपका कल्चर डिटरमाइन करती है, इसको ज्योग्राफिकल डिटरमिनिज्म के नाम से भी जाना जाता है एंथ्रोपोलॉजी नरविज्ञान के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे जिस एरिया में रहेंगे वैसा ही बेसिकली क्या होगा, आपका खान पान और आपका जो पहनावा है कुछ वैसा ही हो जाता है, ठीक है ना। इसीलिए देखिए हमारी हिंदी में कहावतें भी है ना कि दो चार कोस पे बदले पानी, आठ कोस पे बदले वानी। तो हमारा कल्चर है, हमारा कल्चर है वो बेसिकली डिस्टेंस के साथ में बहुत ही डाइवर्स होता जाता है। जैसे एरिया में हम रहेंगे वैसा हमारा कल्चर, वैसे हमारी ईटिंग हैबिट, वैसे हमारी ड्रेसिंग हैबिट, वैसे हमारी पर्सनैलिटी होती जाती है। क्यों सर, सही कहा ना आपको। चलिए तो यह याद रख लेंगे, आंध्रा सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है और लक्षद्वीप सबसे ज्यादा कंज्यूम करता है। आर वी क्लियर विद दिस? आई होप दैट योर फैक्ट आपको याद रहे क्योंकि न्यूज़पेपर में आया है, पार्लियामेंट में भी डिस्कस हुआ है, और जो भी चीज न्यूज़पेपर और पार्लियामेंट से रिलेटेड है ऑब्वियसली एग्जाम से रिलेटेड है। यहाँ पे 13 ईयर ओल्ड मॉमी जी निशिया हु हैज रिसेंटली वॉन द गोल्ड मेडल इन द टोक्यो ओलंपिक्स प्लेस विद स्पोर्ट। ये किस स्पोर्ट से है सर, क्या नाम है सर, मॉमी जी निशिया। मॉमी जी निशिया ये 13 साल की जो है आपके पास में स्पोर्ट प्लेयर है। ये कौन से खेल के अंदर है सर, मीन स्पोर्ट्स बिलोंग टू जिम्नास्टिक, स्केटबोर्ड, स्विमिंग और शूटिंग। इन्होंने हाल ही में जो है गोल्ड मेडल भी जीता है टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर सर। यस लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर आंसर, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर पार्टिसिपेशन। दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं सर, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, एक पार्टिसिपेंट और एक ऑब्जर्वर। आप पार्टिसिपेट करोगे तो आगे बढ़ोगे, ऑब्जर्व करोगे तो हमेशा क्या बन जाओगे, मूक दर्शक बन जाओगे। अच्छा ये तैयारी कर रहा था, ये तैयारी कर रही थी, देखो वो बन गया। अच्छा तैयारी तो मैंने भी की थी पर पार्टिसिपेट नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं की। एग्जाम है, हॉल में जाके प्रैक्टिस करोगे क्या, वहां पे फिर तुक्के मारोगे। इससे अच्छा है अभी अपने माइंड को एंगेज करो क्लास के अंदर, ठीक है। अभी क्लियर,
चलिए सर, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्केटबोर्ड गेम की। किसकी बात कर रहे हैं सर? वी आर टॉकिंग अबाउट द स्केटबोर्ड। सर स्केटबोर्ड एक गेम है और उसके अंदर बेसिकली हाल ही में 13 वर्षीय जो मोमजी निशिया है, इन्होंने बेसिकली यंगेस्ट गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने फ्रॉम द जापान एस सी वॉन द वुमेन्स स्टेट स्केटबोर्ड इवेंट इन द 2020 ओलंपिक्स। तो जापानीज अनदर जापानीज प्लेयर जो है यूतो एरिगोम, इन्होंने जो है फर्स्ट एवर मेन्स गोल्ड जीता है इस स्पोर्ट्स के अंदर। निशिया डोमिनेटेड द एरी निशिमारा ऑफ द वर्ल्ड चैंपियन इन द फाइनल। 13 ईयर ओल्ड ब्राजीलियन रेसा लील वाज द सेकंड एंड जापान्स फ्यूना बैग द ब्रॉन्ज प्राइज। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हर कैटेगरी के अंदर कोई ना कोई गोल्ड मेडलिस्ट होता है, वह आपको पता होना चाहिए। ये जापान से हैं और स्केटबोर्ड के अंदर इन्होंने हाल ही में 13 वर्ष की उम्र के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। अगला प्रश्न हम बात कर रहे हैं, किस स्टेट और यूनियन टेरिटरी ने लॉन्च किया है माई गवर्नमेंट माई सरकार पोर्टल वेबसाइट को टू रिसीव अ फीडबैक फ्रॉम पब्लिक ऑन गवर्नमेंट स्कीम। तो सर गवर्नमेंट स्कीम पे पब्लिक का फीडबैक जानने के लिए, जनता का फीडबैक जानने के लिए किस सरकार ने अभी माई सरकार करके एक पोर्टल जारी किया है कि सर मैं जो भी स्कीम चल रही है, गवर्नमेंट जो भी स्कीम कर रही है, उसका बेसिकली एक तरीके से ऑडिट तो होना चाहिए। सरकार ने स्कीम तो बना दी पर उसका ऑडिट भी तो होना चाहिए, एक तरीके से जनता का फीडबैक तो ले हम। तो ये जनता का जो फीडबैक लेने के लिए कौन से राज्य ने अभी एक नया पोर्टल एक वेबसाइट बनाई है? यूपी, बिहार, उड़ीसा और झारखंड, किसने बनाई है सर? यस, शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, बिल्कुल, यस मरियम जी, राइट, यूपी इज द आंसर आई बिलीव। राइट, यहां पे उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है हाल ही के अंदर, जो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने लॉन्च किया है मेरी सरकार माई गॉव पोर्टल, ठीक है ना। यह गवर्नमेंट ने बेसिकली फीडबैक रिसीव करने के लिए पोर्टल बनाया है। द पोर्टल वॉज ऑल्सो टू इन्फॉर्म द पीपल अबाउट द वेरियस स्कीम। तो जो सरकारी स्कीम से उसकी इन्फॉर्मेशन भी दी जाएगी और उनका फीडबैक भी लिया जाएगा। तो जनता को बेसिकली राज्य के साथ में कोई कम्युनिकेट करना हो, उनके व्यूज हो, कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो सरकार को, ताकि यहाँ पे पब्लिक पार्टिसिपेशन और गुड गवर्नेंस को एंश्योर किया जा सके। एक तरीके से जनता की सहभागिता और गुड गवर्नेंस सुशासन के लिए यह कदम लिया गया। अगला प्रश्न है आई स्टेम प्रोजेक्ट के बारे में। सर आई स्टेम प्रोजेक्ट जो है इट वॉज एक्सटेंडेड रिसेंटली, इट वॉज एसोसिएटेड विद विच फेम? सर आई स्टेम जो है ना अभी हाल ही में 2021 के अंदर इसको आगे अवधि में बढ़ा दिया गया। आई स्टेम किस फील्ड से रिलेटेड है सर? रिसर्च से, स्पोर्ट्स से, बायोटेक से या ऑटोमोबाइल से? ऑटोमोबाइल मतलब होता है गाड़ियों से, ठीक है ना, जल्दी से बताओ। एवरीवन विल प्लीज पार्टिसिपेट, यू डोंट हैव लग्जरी टू सिट साइलेंट, यू डोंट हैव लग्जरी टू सिट साइलेंट सर। यस, वेरी गुड, यस सर। सर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रिसर्च फील्ड की, यह बात चल रही है रिसर्च और डेवलपमेंट की, है ना, अनुसंधान और विकास कार्य के अंदर। आई स्टेम का क्या मतलब है? इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटी मैप, आई स्टेम, ठीक है ना। यहाँ पे एक इंटरनेट के ऊपर क्या है, ये एक वेब पोर्टल है फॉर शेयरिंग ऑफ द रिसर्च डेवलपमेंट फैसिलिटी। सपोज भारत में एक IIT के अंदर कोई एक अलग से लेबोरेटरी एक मशीन लगी हुई है, दूसरी IIT में दूसरी मशीन लगी हुई है, तीसरी IIT में तीसरी मशीन लगी हुई है। अब हर तरह की मशीन तो हर यूनिवर्सिटी हर रिसर्च सेंटर में लाई नहीं जा सकती, इसके लिए यहाँ पे भारत सरकार क्या बनाती है, एक वेब पोर्टल बनाती है। वो बताएगी कि सर हमारे पास सपोज यहाँ पे 50 लेबोरेटरी है, किस लेबोरेटरी में कौन सी मशीन है, मतलब हमारे पास में कौन कौन से जेनेटिक इंजीनियर साइंस टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्या क्या फैसिलिटी है, कहाँ कहाँ पे, उसका पूरा एक मैप बनेगा। तो इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैप यहाँ पे तैयार किया जाएगा, एक वेब पोर्टल, नेशनल वेब पोर्टल तैयार किया जाएगा, ताकि हमारे रिसर्च डेवलपमेंट फैसिलिटीज जो है उसको हम शेयर कर सके। हमको पता हो, एक फॉर्मली लॉन्च किया गया था इसको 2020 के अंदर, ये इनिशिएटिव जो था प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजरी भारत सरकार उनके अंतर्गत चल रहा था, प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल। तो PM स्टेक जो है
इस एडवाइजरी काउंसिल के अंतर्गत ये काम चल रहा था। यह प्रोजेक्ट जो है अभी हाल ही में इसको एक्सटेंशन आगे बढ़ाया गया है 5 सालों के लिए 2026 तक। एडेड अ न्यू फीचर इन इट्स सेकंड फेज। आई स्टेम किससे रिलेटेड है सर? रिसर्च और तकनीक से रिलेटेड है। साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग की फैसिलिटीज का मैप बनाया जाएगा ताकि सारी की सारी शेयर की जा सके, ठीक है। नहीं तो हमने क्या किया सर, सपोज डीएनए सिक्वेंसर, 1 करोड़ों का डीएनए सिक्वेंसर आता है जो हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी में यूज किया था, लाखों का, करोड़ों का सैंपल्स होते हैं, करोड़ों के एंजाइम्स होते हैं, करोड़ों की मशीनें होती हैं वो, है ना, एचपीएलसी, पीसीआर मशीन्स, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जब हमने रिसर्च वर्क वगैरह किया था तो हमको पता था कि सर ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी या आईआईटी है तो यहाँ पे मिल जाएगा, पर सर इसके आसपास के अंदर सपोज कोई स्टेट यूनिवर्सिटी है उसके पास में नहीं है, इतनी फंडिंग नहीं है, राज्य सरकार नहीं दे रही है उसको करोड़ों रुपए ये मशीनें लाने के लिए, केंद्र सरकार ने तो कर दिया फंड। तो आईआईटीज में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में वो चीज है पर हर जगह तो नहीं है, तो आसपास के भी जो छोटे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वह भी उस संस्था की फैसिलिटीज को यूज कर सके। तो हमारे पीएम स्टेक है ना, जो प्राइम मिनिस्टर की साइंटिफिक टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की एडवाइजरी काउंसिल है, उस एडवाइजरी काउंसिल के अंदर हमारे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर है ना भारत सरकार के, जो भारत सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार है, उन्होंने बेसिकली कहा कि सर हमको आईस्टेम नाम का एक प्रोजेक्ट चलाना चाहिए, हम पता करें कि सर कौन सी मशीन कहां पे, क्योंकि हो सकता है कि जैसे आईआईटी मद्रास के अंदर कोई मशीन की जरूरत है और चेन्नई मद्रास यूनिवर्सिटी जो वहां की राज्य सरकार की यूनिवर्सिटी है उसको भी वो चीज की जरूरत है, आईआईटी मद्रास के पास में वो चीज है, आईआईटी के पास है पर दूसरी यूनिवर्सिटी के पास नहीं है, तो सोचो आईआईटी जब वो चीज यूज नहीं कर रही है तो स्टेट यूनिवर्सिटी वाले यूज कर सकते हैं, वो आईआईटी में जाकर के उस चीज को यूज कर सकते हैं, उसकी परमिशन मिल सकती है उनको, तो उसके लिए पूरा प्रॉपर मैप तो बनाओ कहाँ पे हमारे पास में क्या संसाधन है ताकि एग्जिस्टिंग जो भी हमारे संसाधन उनको बेस्ट तरीके से यूज किया जा सके। आर वी क्लियर विद इट? सर एक बात बताइए, जीके क्वेश्चन की कॉपी, हाँ बिल्कुल लिख लीजिए, कॉपी बना लीजिए, एक रजिस्टर जरूर बनाइए। देखिए व्हाट आई विल से इज, अब जैसे सपोज आपके पास में सपोज ये पेज है, A4 साइज पेज ले लीजिए, क्या करेंगे, यू जस्ट टेक द A4 साइज का पेज और यहां पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, हाउ टू मेक द नोट्स, ठीक है। तो सर नोट मेकिंग जो है, कई लोगों को समस्या आती है कि सर हमको समस्या है, कभी भी कोई भी आप वीडियो देख रहे हैं, सपोज आप तनसुख सर की क्लास देख रहे हैं, शिवानी मैम की क्लास देख रहे हैं, मेरी क्लास देख रहे हैं, कोई भी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे या कहीं पे भी कोई क्लास देख रहे हैं, खुद से भी पढ़ रहे हैं, किताब से भी पढ़ रहे हैं, चाहे वीडियो देख रहे हैं, हमेशा क्या करो, सपोज आप यहाँ पे एक किताब खोल करके बैठे हो, जो मेथड मैं फॉलो करता हूं मैं वही आपको बताने की कोशिश करूंगा, एक साथ में आप A4 साइज पेपर भी लेके बैठो, अगर आप कॉपी लेके भी बैठते हो मेरे को उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, तो चाहे ये A4 साइज पेपर है ये ले सकते हैं, A4 साइज पेपर नहीं लेना है आप अपने कॉपी रजिस्टर जो भी आपको लेना है, रूल्ड अनरूल्ड कैसा लेना चाहते हो वो आपके ऊपर है, लाइन का हो, बिना लाइन का हो, 4 लाइन का हो, खानों वाला हो, अंग्रेजी वाला हो, दैट डिपेंड्स अपॉन यू, कैसा भी पेपर हो उसके अंदर डिटेल में नहीं जाना। अब लक्ष्य क्या होना चाहिए हमारा कि सपोज हमारे पास में यहाँ पे यह इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, यहाँ पे यह चार पैराग्राफ में बताऊंगा कि सर यहाँ पे 4 पैराग्राफ लिखे हुए, तो इन 4 पैराग्राफ में से यह चीज ढूंढो कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज फॉरगेटफुल है, कि सर इस चीज को मैं भूल जाता हूं तो इस चीज को आप अपने नोट्स में जरूर लिखो, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है तो उस चीज को आप अपने नोट्स में जरूर लिखो, और सपोज यहां पे अगर मैंने ये जैसे ये पढ़ाया अभी आपको पीएम स्टेक है ना, तो प्रिंसिपल एडवाइजर टू गवर्नमेंट, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, फिर पोर्टल का क्या नाम था, आईस्टेम, ठीक है ना, इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैप, बात खत्म। क्या करने की कोशिश करेगा, जो भी हमारी फैसिलिटीज है उसको मैप करने की कोशिश करेगा, तो आप इसको हिंदी इंग्लिश जैसे लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म, बात खत्म। जो सर ने क्वेश्चन पूछा उसके अंदर बस यही 6 वर्ड ही इंपॉर्टेंट है, अगर विश्वास नहीं होता तो ये देखिए, विश्वास नहीं होता तो इस पूरी पेपर को उठा करके देख लीजिए कौन से वर्ड्स आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं दोस्तों, विच वर्ड डू यू थिंक द वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले तो है आईस्टेम और उसकी फुल फॉर्म, दूसरा है ये वेब पोर्टल है, तीसरा है यह कब से चालू हुआ है, चौथा है यह कब से एक्सटेंड हुआ है, कौन लेके आया है, ठीक है ना, किस काउंसिल के अंदर लेके आया है, बस ये 4-5 ही तो पॉइंट है। अब इसको आप याद नहीं रहता तो फुल फॉर्म लिखो, अगर तुम्हारा दिमाग अच्छे से काम करता है याद रहता है तो एज इट इज शॉर्ट फॉर्म लिखो, मेरे को याद रहता है क्यों, क्योंकि मैं पढ़ता हूं, पढ़ाता हूं 10-15-20 बार से ज्यादा,
तो सर ऑब्वियसली आप भी करोगे ना, वो चीज अपना आप याद होगा, क्यों नहीं होगा, है ना। क्योंकि हमारी कोई मेमोरी खराब या अच्छी नहीं होती। कई लोग कहते हैं सर मेरी याददाश्त बहुत कमजोर है। अरे भाई मूर्ख हो तुम, अगर तुमने कभी भी जिम के अंदर कोई वजन नहीं उठाया, कोई एक्सरसाइज नहीं की, तो तुम्हारी मसल्स कैसे बनेगी। तो मेमोरी कभी भी, देयर इज नो गुड और नो बैड मेमोरी, मेमोरी हमेशा ट्रेंड और अनट्रेंड मेमोरी होती है, ये याद रखना है, ठीक है। तो मेमोरी को ट्रेन करना पड़ता है। ट्रेन कैसे करेंगे, उसी चीज को चार बार बोलिए ना, उसी चीज को चार बार बोल दीजिए, याद हो जाएगा। अलग अलग तरीके से याद कर लीजिए, सिंपल वे से सहज भाषा में एक एग्जाम्पल के साथ, एक नेमोनिक्स के साथ याद कर लीजिए, उदाहरण के साथ जोड़ लीजिए, कोई हिंट के साथ जोड़ लीजिए, है ना। तो किसी भी साथ में, इंटेलिजेंट वे में, फनी वे में, कैसे भी आप याद कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ स्मार्ट यू आर। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आर वी क्लियर विद दिस। चलो ओके, ये डाउट क्लियर हो गया। चलो अब आगे बढ़े, लेट अस मूव अहेड सर। सर अगला क्वेश्चन है रामप्पा टेंपल के बारे में। रामप्पा टेंपल है, इनको हाल ही में यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट, मतलब विश्व की धरोहर जो है, धरोहर स्थल का इनको बेसिकली क्या दिया गया है, दर्जा दिया गया है। यह कौन से राज्य में है रामप्पा? केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र। कहां पे सर ये रामप्पा टेंपल? बहुत ही शानदार है सर, ऊपर से देखेंगे ना तो ये स्टार की फॉर्मेट में दिखता है सर। कैसे दिखता है सर ये? दिस लुक्स इन अ स्टार शेप, ये एक तरीके से स्टार शेप में दिखता है पूरा टेंपल। कोई गया है रामप्पा टेंपल जल्दी से बता दो, रामप्पा टेंपल कहां है? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर। ओके सर, आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू दैट, जो हमारा हिंट अगर मैं बताऊं आपको, तो इस एरिया के अंदर है कहीं, जो बाइफरकेट हो गया था बाद में जाकर के। अब बता दीजिए रामप्पा टेंपल कहां है? भारत के इस एरिया में है, जो बाद में बाइफरकेट हो गया, है ना। आंध्र प्रदेश तो कहीं नहीं लिखा है, तेलंगाना इज द राइट आंसर। तेलंगाना के अंदर आता है ये। कहां पे आता है सर? इट इज इन प्रेजेंट डे तेलंगाना, रामप्पा टेंपल। आर वी क्लियर विद दिस नीरज? ठीक है, तो अभी यूनेस्को का, यूनेस्को की फुल फॉर्म भी देख लीजिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर। यूएन तो पता ही है, ई मतलब एजुकेशन, एस मतलब है साइंटिफिक, एंड सी मतलब है कल्चर। कई लोग इसको सोशल लिख देते हैं, ये सोशल नहीं है, एस मतलब साइंटिफिक है। यहाँ पे यूनेस्को का ये एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन का, जो एजुकेशन के लिए, विज्ञान के लिए और संस्कृति के लिए कार्य करता है। इन्होंने हाल ही जो है हेरिटेज साइट का एक तरीके से जो स्टेटस है वह कन्फर्म किया है, किनको? 13वीं शताब्दी के रामप्पा मंदिर को। तो यहाँ पे बेसिकली यह कहाँ पे है? पालमपेट तेलंगाना के अंदर, पालमपेट तेलंगाना में एक एरिया है, और इस जगह पे यह लोकेटेड है। टेंपल इज सेड टू बी बिल्ट इन द ईयर 2230 बाय द राचरला रुद्र ऑफ द काकटिया डायनेस्टी। तो काकटिया किंगडम था सर, काकटिया डायनेस्टी, काकटिया वंश, उनके द्वारा यह बनाया गया था 13वीं शताब्दी के अंदर, 1213 के अंदर। तो यहाँ की जो हेरिटेज कमिटी ने बेसिकली कंसेंसस दिया है, कंसेंसस ऑफ द 17 कंट्रीज सपोर्टेड दिस मूव। यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कमिटी ने कितने लोगों ने एक्सेप्ट किया, कितने ने रिजेक्ट किया, नहीं। रामप्पा इंपोर्टेंट है, कब था, किसने बनाया, इंपोर्टेंट है। अभी हेरिटेज साइट है, तेलंगाना में है, वेरी इंपोर्टेंट। आर वी क्लियर? भारती जी, साक्षी जी, ममता, मुकेश, हिमांकु, स्वालिहा, सुजीत, नीरज, एवरी वन ऑफ यू, चल शाबाश, वेरी गुड। देखिए कभी भी आपके आंसर्स गलत हो रहे हैं ना, मैं ये मान के चल रहा हूं शुरुआत के 5 से 7 दिन, 5 से 7 दिन आप नॉर्मल न्यूज़पेपर जरूर पढ़ो। और न्यूज़पेपर को पढ़ते टाइम यह याद रखो कि सर यहां पे न्यूज़पेपर में ऐसी इंफॉर्मेशन पढ़ो जो सिर्फ तुम 2 मिनट 3 मिनट में खत्म कर सको। अगर कोई न्यूज़पेपर की इंफॉर्मेशन तुम खुद से पढ़ते हुए 2-3 मिनट से ज्यादा लगा रहे हो तो वह तुम्हारे जीके लायक इंफॉर्मेशन नहीं है, फिर वो तुम्हारे मेंस में, आर्टिकल राइटिंग में, ऐसे राइटिंग में वहां काम आएगी। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? नीरज, मुकेश, मरियम, राहुल, सभी को यही चीज में बताने की कोशिश कर रहा हूं। ऑलवेज जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कोई भी एग्जाम, कई लोग जैसे जुडिशियल एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, आईएएस एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, तो जब आपको प्रीलिम्स एमसीक्यू के दृष्टिकोण से पढ़ना होता है, ऑलवेज फोकस ऑन दोज इंफॉर्मेशन विच इज हैविंग लाइक द 2 to 5 minutes ऑफ रेंज, दैट्स इट। 2 से 5 मिनट में वो न्यूज खत्म नहीं हो रही है, आपकी समझ से परे है, आगे चले जाओ, क्योंकि वो मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से है, एमसीक्यू के दृष्टिकोण से नहीं है। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है आपके पास में, हाल ही में कौन सी कंट्री जो है विच हैज बीन हिट बाय द लैंडफॉल कॉज ड्यू टू द टाइफून इन्फा। सर टाइफून इन्फा आपको पता होना चाहिए, टाइफून है ये एक तरह का, ठीक है ना सर, जो हम बेसिकली साइक्लोनिक कंडीशन, हायर प्रेशर लोअर प्रेशर कंडीशन जिसको कहते हैं, एनवायरमेंटल अनस्टेबिलिटी जिसको कहते हैं। सर ये टाइफून जो तूफान है, कोई भी
जैसे यह लैंड है, ये क्या है सर, जमीन है। सपोज ये कोई भी कंट्री है इन चारों में से, ये जो टाइफून आएगा, ये जो टाइफून आएगा जब इसके सतह के ऊपर टकराएगा, इसके तट के ऊपर टकराएगा, कोस्ट के ऊपर टकराएगा, तो इसको क्या कहेंगे, लैंडफॉल कहेंगे। क्या कहेंगे, विल बी कॉलिंग इट द लैंडफॉल। प्रश्न क्या है, कौन सी कंट्री अभी जो है दैट हैज बीन हिट बाय लैंडफॉल कॉज बाय द टाइफून इन्फा। सर इन्फा कहां पे आया था, कौन सी कंट्री को हिट किया, जापान, चाइना, कोरिया और साउथ कोरिया और इंडोनेशिया। जल्दी से इसका आंसर जो है अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएंगे। यस रुक्षार, हिमांकु, नीरज एंड एवरी वन ऑफ यू, राइट। इन्फा इज रिलेटेड टू द, इन्फा इज रिलेटेड टू राइट। सो इन्फा इज रिलेटेड टू द चाइना सर, राइट। तो यहां पे चाइना के इस जो है जिजियांग प्रोविंस के अंदर बेसिकली वर्स्ट अफेक्टेड था ये टाइफून इन्फा, यहां पे हिट करता है। इट इज मेड द लैंडफॉल इन द रिसेंटली, लैंडफॉल एसोसिएटेड विद द रेन ट्रिगर्ड बाय द लार्ज स्केल फ्लड्स इन द रीजन हैज लेड टू द सेवरल डेथ्स, सिक्स टाइफून इन द रीजन इन द 2021 इटसेल्फ। चाइना हैज बीन अफेक्टेड ऑन द टोरेंशियल रेन्स एंड हैव अफेक्टेड अबाउट द 3 million पीपल्स व्हिच वाज नेवर विटनेस्ड इन द लास्ट 1000 ईयर। सो पिछले 1000 साल से भी ज्यादा, अपने बीच में पढ़ा था ना चाइना के अंदर बाढ़ आ चुकी है पूरे के पूरे एरिया के अंदर, चाइना का पर्टिकुलरली। कौन सा एरिया है सर आपके पास में, चाइना का है आपके पास में, चाइना का ईस्ट का जिजियांग प्रोविंस। हम राज्य कहते हैं, हम स्टेट कहते हैं, ये प्रोविंस कहते हैं, ठीक है। जिजियांग क्या नाम है, जिजियांग, ठीक है ना। जिजियांग प्रांत के अंदर बेसिकली यहां पे क्या होती है, फ्लड्स आती है बारिश के कारण, टोरेंशियल रेन के कारण, जिसको हम बेसिकली कहते हैं चक्रवात मूसलाधार बारिश, है ना। और ये बारिश इस बार किस कारण आई थी, एक एक तरह के साइक्लोनिक टाइफून के कारण, और टाइफून का नाम क्या था, इन्फा, याद रख लेंगे, राइट। पिछले 1000 साल में इतनी खतरनाक बाढ़, इतने कम समय में इतनी भारी बारिश नहीं हुई, तो ये एक तरह के जलवायु का प्रतीक भी बताया जाता है। क्या इसको याद रख लेंगे दोस्तों, कैन वी जस्ट रिमेंबर दैट, कैन वी जस्ट रिमेंबर दैट, ओके शाबाश, विल बी टेकिंग केयर ऑफ इट। All right, Sujit, Mukesh, Neeraj, Mamta, every one of you. Let's move forward to the next question over here. The China recently banned which segment of the institution from making the profit, raising capital or going into the public? China ne, obviously China ke andar censorship, ban karna, ye sara kaam to bahut hi famous hai. अभी हाल ही में चाइना ने और क्या किया है, एक सेगमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन को बैन किया है, जो बेसिकली कोई प्रॉफिट का काम नहीं कर सकती, कोई कैपिटल भी रेज नहीं कर सकती, एंड दे कैन नॉट गो पब्लिक आल्सो। पब्लिक मतलब होता है जहां पे शेयर मार्केट के अंदर अपने आप को रजिस्टर करवा लेना। किस संस्था को बेसिकली बंद कर दिया गया है चाइना के अंदर, यह बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। हेल्थ केयर को, क्या स्वास्थ्य को, एजुकेशन शिक्षा को, ट्रांसपोर्ट को, या फिर पावर यूटिलिटीज को, इलेक्ट्रिसिटी को। किसको यहां पे जो है प्रॉफिट नहीं बनाएंगे आप कभी भी, कोई भी कैपिटल रेज नहीं कर सकते हैं, आप फंड नहीं रेज कर सकते, कोई आप बेसिकली गोइंग पब्लिक, पब्लिक का मतलब पब्लिक लिस्टेड कंपनीज कौन सी होती है, जिनके शेयर जो है शेयर मार्केट पे बिकते हैं, दे आर द पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, राइट। यहां पे रेजिंग द कैपिटल मतलब आप किसी से इन्वेस्टर से फंड नहीं ले सकते करोड़ों रुपए, ठीक है ना। और मेकिंग प्रॉफिट का क्या मतलब हो गया, आप जो काम करेंगे प्रॉफिट के लिए नहीं काम करेंगे, एक तरीके से नॉन प्रॉफिट काम करेंगे, नॉन प्रॉफिट, ठीक है ना। कौन सी संस्था होगी सर, एग्जैक्टली यही डाउट था सबको, है ना। जस्ट लेट मी हैव सम वाटर। देखो दोस्तों, यहां पे चाइना जो है एक कम्युनिस्ट देश है, यहां आपको पता होना चाहिए चाइना कौन सा देश है सर, कम्युनिस्ट। और कम्युनिस्ट विचारधारा के अंदर हमेशा एक चीज जरूर रहती है कि यह कैपिटलिज्म के विरोध में रहते हैं, किसके, कैपिटलिज्म के विरोध में रहते हैं सर। चाइना पॉपुलेशन में जो है वर्ल्ड के अंदर अभी नंबर वन चल रहा है, हमको भी पता है। चिल्ड्रन की पॉपुलेशन जो है, बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है, और बच्चों का शिक्षा का स्तर जो है चाइना में, भारत के मामले में भी कई जगह पे संदेहास्पद है, प्रश्न चिन्ह उसके ऊपर लगता है। क्योंकि चाइना के एक अंदर जो इंडस्ट्री है, जो बिलियन डॉलर इंडस्ट्रीज है, वह है ट्यूशन इंडस्ट्री। कौन सी है सर, ट्यूशन इंडस्ट्री। और यह ट्यूशन इंडस्ट्री जो है चाइना ने अभी बैन कर दिया। चाइना कह रही है कि कोई प्राइवेट ट्यूशन काम नहीं करेगा, आप सिर्फ स्कूल में पढ़ेंगे और आप सिर्फ कॉलेज में पढ़ेंगे, दैट्स इट। आप एजुकेशन सेक्टर में कोई प्रॉफिट का काम नहीं कर सकते, कोई कैपिटल पूंजी नहीं ले सकते मार्केट से, और ना ही आप पब्लिक जा सकते हैं, आप अपने शेयर मार्केट के अंदर अपनी कंपनी को एनलिस्ट कर सकते हैं। तो चाइना जो है दुनिया में पहली कंट्री बन जाता है ऐसा, जिन्होंने ये अनाउंस किया है कि हम सुधार करने वाले हैं प्राइवेट एजुकेशन, जितनी भी कंपनियां काम करेगी, दे अंडर विच दे आर बैन बाय मेकिंग प्रॉफिट,
जो भी प्राइवेट कंपनी है वो प्रॉफिट ही नहीं बनाए। सर प्राइवेट कंपनी बनती ही क्यों है, प्रॉफिट के बेस के ऊपर भी तो बनती है। ये नहीं पूंजी उगा सकती है और ना ही आपके पास में पब्लिक में कोई शेयर बेच सकती है। दे आर ऑल्सो प्रोहिबिटेड फ्रॉम ऑफरिंग ट्यूटरिंग रिलेटेड टू द स्कूल सिलेबस। फिर और कह रही है स्कूल का सिलेबस बिल्कुल नहीं पढ़ा सकते वीकेंड के ऊपर और ड्यूरिंग द वेकेशन, सर छुट्टियों में आप नहीं पढ़ा सकते, सिर्फ आपका पढ़ा सकते हैं इन द स्कूल डेज, इन द वीक डेज, दैट्स इट। जब भी छुट्टी है, जब भी वेकेशन है, आप बेसिकली नहीं पढ़ा सकते। बच्चों के लिए तो बेसिकली जी जिनपिंग का वापस एक बार जीत के आएगा, मेरे को लग रहा है जी जिनपिंग, है ना। बच्चे ये बच्चे बड़े होंगे आगे जाकर वापस इसी को वोट करने वाले। नए रिफॉर्म जो आए ये प्रोहिबिट करते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को फ्रॉम गिविंग द ऑनलाइन एंड एकेडमिक क्लासेस टू द चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ द 6। कोई भी 6 साल के छह छोटे बच्चे को यहाँ पे कोई भी एकेडमिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है ऑनलाइन। कैसे सर? ऑनलाइन और एकेडमिक क्लासेस नहीं दी जा सकती, ना ही तो आप ऑनलाइन क्लासेस देंगे ना ही एकेडमिक मतलब पढ़ाई की क्लास देंगे। मतलब 6 साल तक बच्चा जो है उसको फ्री रखा जाएगा, है ना। वह अपने बेसिकली कहे ना उसको बेसिकली ग्रो तो होने दो, उसको ग्रो तो होने दो। अभी तो हमारे यहाँ पे तो किंडरगार्टन 3-4 साल के बच्चों को डाल देते, भाई साहब क्या होगा उससे, इतनी जल्दबाजी क्यों है। कई लोग मिलते हैं, सर मेरा बच्चा अभी 8वीं में है, अभी 10वीं में है, अभी 11वीं में, अभी 12वीं में है, तो भैया इतनी जल्दबाजी क्यों है। पहले उसको पढ़ तो लेने दो, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमी साइंस लॉ जो भी वो पढ़ रहा है एक बार पढ़ लेने दो, कंपटीशन का टाइम आएगा तब उसके अंदर डालना आप लोग। पर अभी तो जनता ऐसी है ना, अब जैसे आपको ही बता रहा हूँ, आप भी अपने छोटे भाइयों को बहनों को या फिर अपने किसी परिचित को ये ऐसी सलाह मत देना कि सर स्कूल के टाइम से या कॉलेज के टाइम से जो है आप अपने करियर को पढ़ाई को साइड में रख लीजिए और अपने करियर के लिए बेसिकली क्या कर लीजिए, कॉम्पिटिशन वगैरह को क्रैक करने के लिए उधर से ध्यान दीजिए। कोटा जैसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो है वो बेसिकली इसी कारण ही चल रही है, समझ रहे हैं, दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। सर हम बहुत ही जल्दी आपके लिए लेके आने वाले एक प्लस कोर्स जिसके अंदर आपके टेस्ट अवेलेबल होंगे, टेस्ट के एनालिसिस भी दी जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट विल बी गिविंग अ स्ट्रक्चर्ड एंड द वेरी प्लान्ड कोर्स विद अनलिमिटेड एक्सेस टू द सब्सक्राइब ड्यूरेशन। द प्लान्स जो है आपके पास में लगभग 2200 रुपए से लेकर के 6000 रुपए तक प्रति मंथ के प्लान्स है। आप जो प्लान इसमें सब्सक्राइब करना चाहते हैं कर सकते हैं, ज्यादा ड्यूरेशन का लेंगे तो आपको प्लान जो है थोड़ा सा इजी पड़ेगा इकोनॉमिकली। प्लस यहाँ पे जो कॉस्ट लिख रखी है वह भी आपको नहीं करनी है पे, आप ईएमआई में भी पे कर पाएंगे। प्लस EMI के साथ साथ में आप विदिश 10 कोड को यूज कर सकते हैं, VIDISH10। विदिश 10 कोड को यूज करने से आपको यहां पे क्या मिलने वाला है, 10% ऑफ मिलने वाला है। यू विल बी गेटिंग द 10% डिस्काउंट ऑन ऑल ऑफ द सब्सक्रिप्शन। तो प्लस कोर्स को जरूर सब्सक्राइब करें। इंडिया के बेस्ट के एजुकेटर्स से यहां पे लाइव पढ़ने को मिलेगा और यहां पे टेस्ट होंगे, क्विजेस होंगे और काफी कंटेंट भी आपको हैंड टू हैंड मिलने वाला है अनअकैडमी एप्लीकेशन पे। आपके जुडिशरी एम को, सर मैं एम कह रहा हूं सपना नहीं, क्योंकि सपने होते हैं ड्रीम होते हैं अक्सर अधूरे रह जाते हैं, जबकि एम है हमारा लक्ष्य है वह हम प्राप्त जरूर करेंगे। तो इसी विश्वास के साथ में हमारी लिंकिंग लॉस की टीम ऑनरेबल तनसुख पालीवाल सर के गाइडेंस के अंदर एक नया बैच लेके आ रहे हैं हम लोग, जुडिशरी लिंकिंग बैच। यह साल पर्यंत एक साल का बैच होगा जो अभी अगले बुधवार से मतलब 27 तारीख से आपका यह बैच इनॉग्रेट हो रहा है। तो स्टार्टिंग डे है 27 अक्टूबर 2021, ठीक है। एक साल का ये बैच चलने वाला है। इस बैच में मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे द्वारा जो रोल रहने वाला है, मेरा रोल रहेगा कि मैं आपको जीके और करंट अफेयर जुडिशरी के एग्जाम का पूरा कंप्लीट कराऊंगा। अगर आपके प्री और मेंस के अंदर जीके का पार्ट है, जीएस का पार्ट है, आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ इट, राइट। भारत के अंदर अगर देखा जाए, एक एनालिटिक्स जो मैंने की है अलग अलग स्टेट्स के एग्जामिनेशन के अंदर, कि सर जीके का कितना पार्ट आता है, सर 18 से ज्यादा राज्यों का आप एग्जाम दे सकते हैं जहां पे जीके भी पूछा जाता है, ठीक है ना। जैसे कि राजस्थान है, गुजरात है, कुछ राज्य और है आपके पास में, उन राज्यों को अगर छोड़ दिया जाए, जो बेसिकली 4-5 राज्य हैं उनको छोड़ दिया जाए, तो बाकी पूरे के पूरे इंडिया के जुडिशरी के एग्जाम में जीके पूछा जाता है दोस्तों। और जहां जीके आता है वहां पे बच्चों का कई बार क्या होता है, तुक्काबाजी शुरू हो जाती है, क्योंकि सर लॉ, आईपीसी, सीआरपीसी, बेयर एक्ट सब अच्छे से पढ़े, पर ये तो क्या सोचे सर कर लेंगे 15-20 क्वेश्चन ही तो आएंगे। सर ये 15-20 क्वेश्चन क्या 5 क्वेश्चन भी आपको लिस्ट के अंदर डाल सकते हैं, लिस्ट से बाहर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि अगर एग्जामिनर ने सोचा है कि यह ज्ञान, यह अवेयरनेस आपको होना जरूरी है, तो प्लीज डेडिकेट जरूर कीजिए अपना सही समय। यह प्रीलिम्स के अंदर भी हेल्प करेगा, मेंस के अंदर आर्टिकल राइटिंग, ऐसे राइटिंग आता है जो मेरे द्वारा जो डिस्कशन किए जाएंगे वह आपको वहां पे भी हेल्प करने वाले हैं। आई विल मेक श्योर कि आप इस जुडिशियल लिंकिंग बैच के अंदर मेरे द्वारा जो भी जीके सीखेंगे वह बहुत ही यूनिक वे में सिंपल भाषा के अंदर और एमसीक्यू प्रैक्टिस के साथ में सीखे, जो रिसेंट ट्रेंड है उसके साथ में मैं सिखाने वाला हूं। सर इस बैच के बारे में मैं बताने वाला हूं कि 27 अक्टूबर से यह बैच शुरू हो जाएगा मेरा, और इस महीने में मैं आपको 5 क्लासेस आपके लिए लेके आ रहा हूं, ठीक है ना। और यहां पे जो क्लासेस आपकी इंग्लिश में होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी, ऑब्वियसली, तो आपको घबराने की इसमें कोई आवश्यकता
आवश्यकता नहीं है। 27 तारीख से लेकर के आपको 31 तारीख तक यहाँ पे यह 5 क्लासेस होने वाली है। शुरुआत में मैं 2 दिन आपको इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड स्टैटिक जीके और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो रिसेंट अमेंडमेंट्स है उसके बारे में जीके बताने वाला हूं जो पिछले 1 साल में हुआ है। फिर ज्योग्राफी से रिलेटेड जो रिसेंट जीके है उसकी डिस्कस करेंगे, कुछ स्टैटिक जीके भी हम आपके यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर लास्ट 1 क्लास के अंदर हम यहाँ पे पर्सन और प्लेसेस और इवेंट इन द न्यूज है उसको डिस्कस करने वाले हैं 31 अक्टूबर को। तो ये 5 सेशन होने वाले हैं शाम को 5 बजे। कितनी बजे होने वाले दोस्तों? ये इवनिंग 5 PM। तो इस क्लास को कभी एब्सकॉन्ड नहीं करना है। शाम को 5 बजे सब लोग फ्री हो जाते हैं। ऑनलाइन मोबाइल के ऊपर यह आप जरूर ओपन करके कहीं से भी आप यह क्लास ले सकते हैं, चाहे वर्किंग प्रोफेशनल हैं या कोई और। सर इंक्लूड यूपी एंड दिल्ली फॉर द जीके? यस मदर नेचर आई विल। सर हिंदी में अवेलेबल कराएंगे जीके? यस आई विल ट्राई टू डू दैट। सुजीत कुमार धन्यवाद सर, यू आर वेलकम। सर ये आरजेएस एग्जाम के बाद ज्वाइन करेंगे क्या क्या ज्यादा नुकसान होगा पढ़ाई का? देखिए आरजेएस का एग्जाम जो है आपका 1 महीने के बाद, अगर आप इस बैच को, इस लिंकिंग बैच को अगर अभी एनरोल कर लेंगे तो यहाँ पे जैसे कि लॉ के विषय है हम इसमें भी आपको हेल्प करने वाले हैं सर, ठीक है ना। मेजर लॉज में सर करेंगे, माइनर लॉज में मैडम करेंगे। अगर आप यहाँ पे जीके को पढ़ने वाले हैं, जीके की क्लासेस आप बाद में भी ले सकते हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख पाएंगे, कोई डाउट होंगे तो डाउट क्लास में भी आप पूछ पाएंगे। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन, राइट। अगर आपने अनअकैडमी प्लस कोर्स को सब्सक्राइब कर लिया है अभी, अगर नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए विद इस 10 कोड को यूज करके, और प्लस कोर्सेस को जाकर के आप देखेंगे यर यू विल बी फाइंडिंग जुडिशरी लिंकिंग बैच। तो जुडिशरी का जो ये बैच है उसमें आप एनरोल कर पाएंगे, यह प्लस कोर्स आपको मिल जाएगा। 27 तारीख से ये बैच स्टार्ट होने वाला है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए, यूज द कोड विद इस 10, आपको जीके की क्लासेस भी मिलेगी, लिंकिंग 10 के साथ में आपको 10% डिस्काउंट भी मिलने वाला है और एक नाम मात्र का शुल्क है। अनअकैडमी जो है एक अफोर्डेबल वे में डेमोक्रेटाइज करने वाला है आपके एजुकेशन को। कैसे सर? 2000 रुपए के अंदर जो बेसिकली एक स्कूल और कॉलेज की नॉर्मल जो बेसिकली बच्चों की ट्यूशन फी होती है, उस ट्यूशन फीस में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स को आपके सामने ला करके वह क्लासेस आपको अवेलेबल करवाई जा रही है टेक्निकल फ्रेंडली और लर्नर फ्रेंडली मैनर के अंदर। सर इसके ऊपर भी 10% डिस्काउंट है आपके पास में। व्हाट एल्स डू यू नीड? आप वन टाइम पेमेंट पे भी 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं और उसके साथ में अगर आप सिंगल टाइम पेमेंट करते हैं उसमें भी, राइट। सो यू मस्ट बी नोइंग दैट। I hope that I'll see you in the plus course on the 27th. ठीक है, तो जल्दी से इसको जरूर सब्सक्राइब करना आप लोग, ठीक है। हिमांकु जी, मरियम जी, मुकेश जी, I hope that we'll be doing that. Okay, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। यहां पे अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, इट इज टॉकिंग अबाउट द इंडियन नेवल शिप। इंडियन नेवल शिप के बारे में क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सी इंडियन नेवी की शिप ने हाल ही में पार्टिसिपेट किया है 235th नेवल डे सेलिब्रेशन में रशियन नेवी के अंदर, ठीक है ना। तो अभी रशियन नेवी का 325th जो नेवी डे है सेलिब्रेशन ऑफ द रशियन नेवी, रशिया की नेवी का 325वां जो है यहाँ पे दिवस सेलिब्रेट किया गया। तो इनके रशियन नेवी के दिवस के 325वें दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए भारत की तरफ से भी एक नेवल फोर्स गया था वहां पे, नेवल शिप गया था। कौन सा नेवल शिप था? INS टाबर, INS त्रिशूल, INS तलवार और INS त्रिखंड। कौन सा गया था सर आपके पास में? ऑब्वियसली यहाँ पे हिंट दिया जा चुका है, तो INS टावर इज द राइट आंसर सर एंड मैम। यहाँ पे जो INS टावर जो है यह सेंट पीटर्सबर्ग में आता है 325वां नेवल डे सेलिब्रेट करने के लिए रशिया की नेवी का। यह तलवार क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट है और ये इंडियन नेवी के वेस्टर्न फ्लीट का हिस्सा है बॉम्बे के वेस्टर्न नेवल कमांड के अंदर। इट इज स्टे इन द सेंट पीटर्सबर्ग क्रू इन द तलवार विल पार्टिसिपेट इन द वेरियस बायलेटरल इंटरेक्शन बिटवीन द रशियन नेवी। तो रशियन नेवी के साथ हमारा बहुत ही अच्छा खासा एक तरीके से देखा जाए तो रक्षा संबंध है दोस्तों, ठीक है ना। तो वी मस्ट बी नोइंग दैट। सर अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे फॉर कंजर्वेशन ऑफ द मैंग्रोव इकोसिस्टम। सर मैंग्रोव इकोसिस्टम क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ये हमारा भारत है, ठीक है ना, ये हमारा बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पे वेस्ट बंगाल के आसपास में है ना, और बांग्लादेश के आसपास में क्या है सर? मैंग्रोव फॉरेस्ट है, क्या है सर? जिसको सुंदरवन वगैरह का नाम भी दिया जाता है, जो कि बेसिकली डेल्टा रीजन में पाया जाता है। डेल्टा रीजन का क्या मतलब हुआ? यहाँ पे सॉल्ट वाटर भी होगा और स्वीट वाटर भी होगा, नदी का पानी भी होगा और यहाँ पे क्या रहेगा, समुद्र का खारा पानी भी रहेगा। तो एक तरीके से सॉल्ट वाला जो एरिया यहाँ पे ये पाया जाता है, सुंदरी वन जिसको कह सकते हैं, सुंदरी वृक्ष जो है यहाँ पे पाए गए। सर इन मैंग्रोव फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए, मैंग्रोव इकोसिस्टम, मैंग्रोव पारिस्थिति के कंजर्वेशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए कौन सा अंतरराष्ट्रीय दिवस जो है सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, किस दिन होता है सर? 23rd of July, 26th, 29th और 31st of July। प्लीज लेट मी गिव मी द आंसर इन योर कॉमेंट सेक्शन सर एंड मैम।
आई लुक फॉरवर्ड फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन. भारती, ममता, नीरज, हिमांकु, मुकेश एंड एवरी वन ऑफ यू, यू शुड बी एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग, राइट? यस सर. सर, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द जुलाई 26 की हम यहां पे बात कर रहे हैं. सर, 26 जुलाई है जो अंतरराष्ट्रीय दिवस है कंजर्वेशन ऑफ द मैंग्रोव इकोसिस्टम के लिए. हाल ही में एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी इकोसॉक की, है ना, यूनेस्को की 2015 में, तब से यह अडॉप्ट किया गया. यूनेस्को सेलिब्रेट कर रहा है इंटरनेशनल डे फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम ऑन द 26th ऑफ जुलाई. यहाँ पे एक अवेयरनेस रेज की जाती है मैंग्रोव इकोसिस्टम के लिए, पारिस्थितिक तंत्र के लिए प्रमोट किया जाएगा सस्टेनेबली हम कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं और कैसे इसको प्रोटेक्ट और कंजर्व कर सकते हैं. यूनेस्को के अनुसार मैंग्रोव्स आर डिस्कपियरिंग एट द रेट दैट द 3 to 5 times फास्टर देन द ओवरऑल लॉसेस ऑफ द ग्लोबल फॉरेस्ट कवर. तो कह रहे हैं कि जिस दर से जो वैश्विक स्तर के ऊपर फॉरेस्ट और वन यहां पे डिसअपीयर हो रहे हैं, उससे भी कई गुना तीव्र गति से बेसिकली यहां पे क्या है, यह मैंग्रोव फॉरेस्ट डिसअपीयर हो रहे हैं. द मेन रीजन फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन एंड द एग्रीकल्चर लैंड कंजर्वेशन. ऑब्वियसली जो मानव जनित कारण है ना कि सर, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण के कारण, है ना, एग्रीकल्चर लैंड आपको यूज करना है तो फॉरेस्ट को काट दे रहे हैं, कई इंफ्रास्ट्रक्चर, रोडवेज, रेलवेज, आपको ब्रिजेस बनाने, आप उसके लिए कहीं यूज कर ले रहे हैं. सर, मैंग्रोव इकोसिस्टम प्रोटेक्ट होना बेहद जरूरी है, ठीक है ना. मैंग्रोव इकोसिस्टम इज अ काइंड ऑफ अ टाइडल वॉर, है ना. अगर यहाँ पे मैंग्रोव इकोसिस्टम नहीं हो तो ज्वार और पाटा के अंदर बेसिकली पानी जो है काफी अंदर तक आएगा, ठीक है ना. और एक बार पानी अंदर तक आया, लैंड डिग्रेडेशन शुरू हो सकता है, फ्लड कॉज की जा सकती है, पता है ना हमको. तो 26 जुलाई याद रख लेंगे दोस्तों. कैन वी रिमेंबर 26th ऑफ जुलाई सर? ओ शाबाश. सिलत रोड गुरुद्वारा, विच हैज बीन सीन इन द न्यूज रिसेंटली, इज लोकेटेड इन विच कंट्री? सिलत रोड गुरुद्वारा पता होना चाहिए आपको. अभी हाल ही में न्यूज में भी था, बार बार न्यूज में आया था, 3-4 दिन ये लगातार. कहां है? अमेरिका, सॉरी, भारत में है, अफगानिस्तान, सिंगापुर में या नेपाल में? कहां पे है सर? सिलत रोड गुरुद्वारा. राइट सर, सिलत रोड गुरुद्वारा जो है यह सिंगापुर में. कहां पे सर? इट इज इन द सिंगापुर. सिंगापुर में कैसे है आइए समझने की कोशिश करते हैं. सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सेंग लुंग ने अभी हाल ही में इनॉग्रेट किया है इसके रेनोवेशन को. हिस्टोरिक ये गुरुद्वारा है, नाम है इसका सिलत रोड गुरुद्वारा. इसके फीचर्स हैं, द फीचर इन दिस मंथ, मन की बात जो प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं उसके अंदर उन्होंने ये बात बताई कि सिलत रोड गुरुद्वारा जो है 1924 में सिंगापुर में बना था. सिंगापुर का ये ओल्डेस्ट गुरुद्वारा है और इस गुरुद्वारे को डेडिकेट किया गया है भाई महाराज सिंह के लिए, जो बेसिकली अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे भारत के अंदर, एंड इज वन ऑफ द हिस्टोरिक साइट्स इन द कंट्री, ठीक है ना. तो यह पता होना चाहिए, सिलत रोड गुरुद्वारा, ठीक है सर. ये कहां पे आपके पास में, यह कहां पे है सिलत रोड गुरुद्वारा? यह सिंगापुर के अंदर है, ठीक है, इतना सा याद रख लेंगे. विच इज द पेरेंट कंपनी ऑफ द गूगल? तो हम कहते हैं ना सर, गूगल, आप जो इस क्लास अभी देख रहे हैं यूट्यूब भी किसका हिस्सा है सर? गूगल का हिस्सा है यूट्यूब, ठीक है ना. अब यह पूछा जा रहा है कि इस यूट्यूब की पेरेंट कंपनी कौन है? इसका भी ऊपर एक पेरेंट कंपनी है. कौन सी कंपनी है वो? माइक्रोसॉफ्ट, ऑरेकल, अल्फाबेट और इंटेल. यूट्यूब की पेरेंट कंपनी का क्या नाम है दोस्तों? अरे सॉरी, गूगल की. गूगल की पेरेंट कंपनी का क्या नाम है? शाबाश. आई एम रीडिंग योर कॉमेंट, आई वॉन्ट एवरी वन टू पार्टिसिपेट, काइंडली प्लीज डू पार्टिसिपेट. माइक्रोसॉफ्ट? इट्स नॉट माइक्रोसॉफ्ट. इट्स नॉट माइक्रोसॉफ्ट सर. वापस एक बार रिविजिट कीजिए. अंग्रेजी में क्या होते हैं 26? क्या होते हैं? चलिए सर, यहां पे हम बात करना चाहते हैं कि गूगल की जो पेरेंट कंपनी है वह है अल्फाबेट. क्या नाम है सर इसका? अल्फाबेट, ठीक है. अल्फाबेट जो है आपको पता होना चाहिए, गूगल की पेरेंट कंपनी, इन्होंने हाल ही में कहा है इट विल सून लॉन्च द न्यू रोबोटिक सॉफ्टवेयर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्ट नेम द इंट्रिंसिक. तो यहां पे एक नया रोबोटिक सॉफ्टवेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट जो है यह
चालू करने वाले। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पता होगा, जो मशीन लर्निंग होती है, जिसको बेसिकली कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नाम से भी जाना जाता है, यह इंट्रिंसिक प्रोजेक्ट जो है भविष्य में बहुत ही फेमस होने वाला है दोस्तों। गूगल की पेरेंट कंपनी है वह इसको लेके आ रही है। द आर्म वुड डेवलप सॉफ्टवेयर टूल्स टू डिजाइन द इंडस्ट्रियल रोबोट्स विच कैन बी प्रोग्राम टू मेक एवरीथिंग फ्रॉम सोलर पैनल्स टू द कार। तो कह रहे हैं कि एक ऐसे तरह के रोबोट बनाएंगे, सोलर पैनल भी बनाएगा वो रोबोट और कार्स भी बनाएगा, हर चीज को असेंबल कर सकेगा, ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हम रोबोट बनाने वाले। टेक्नोलॉजी इज बीइंग डेवलप्ड एट द गूगल्स रिसर्च यूनिट एक्स फॉर द लास्ट 5 ईयर। पिछले 5 साल से जो है गूगल का ही एक बेसिकली यूनिट है, रिसर्च का यूनिट नंबर 10 या यूनिट नंबर एक्स, उसके अंदर यह रिसर्च चल रही है। तो याद रखेंगे सर, भविष्य में हमको इंट्रिंसिक प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा, है ना, जो कार से लेकर के मशीन लर्निंग के थ्रू बेसिकली काफी टूल्स, सोलर पैनल्स तक सब कुछ चीज बनाएगा सर, ठीक है ना। तो आने वाला टाइम भाई और दोस्तों, अपने आप को स्किल जरूर करना, नहीं तो क्या हो जाएगा, या तो तुम सरकारी नौकरी में हो तो बचे हुए हो, या फिर तुम बहुत ही हाईली स्किल्ड हो तो प्राइवेट सेक्टर में बचे हुए हो, नहीं तो कंप्यूटर्स आपकी जगह ले लेंगे, रोबोट्स आपकी जगह ले लेंगे कहीं ना कहीं। अपने आप को स्किल करना जरूर है। नशीरा जी, अनु जी, नीरज जी, भारती जी, स्वालिहा जी, बिल्कुल सही कहा ना रिश्केट जी। चलिए, आई होप दैट वी आर वेरी मच क्लियर ऑन दैट। सर आगे यहां पे एक बात कर रही है, एक प्रोसेस के बारे में हमको जानना है। प्रोसेस के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस वेयर द बिजनेस सेल्स इट्स इनवॉइसेस टू द थर्ड पार्टी एट अ डिस्काउंट, है ना। कि सर एक बिजनेस है, वो अपने इनवॉइस मतलब बिल, है ना, जो बिल दिया जाता है आपको, वह किसी थर्ड पार्टी को बेच देता है, है ना, एट अ डिस्काउंट, किसी डिस्काउंट के ऊपर। तो कौन सा, इसको क्या कहेंगे, फैक्टरिंग, क्राउड फंडिंग, वेंचर कैपिटल फंड और वर्किंग कैपिटल। सर हाल ही में न्यूज़पेपर में अगर आप पढ़ते हैं इकोनॉमिक पेज आता है तो उसके अंदर यह नाम दिया गया था फैक्टरिंग प्रोसेस के बारे में। किसके बारे में सर? फैक्टरिंग प्रोसेस। यह एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें बिजनेसेस जो होते हैं अपने इनवॉइस किसी थर्ड पार्टी को बेच देते हैं किसी डिस्काउंट प्राइस के ऊपर। चलिए आइए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, एक पासिंग रेफरेंस है, ध्यान रख पाए तो अच्छा है, नहीं भी है तो इतना दिमाग मत लगाना, टेंशन मत लेना अगर नहीं समझ में आया तो भी, ठीक है ना। पर मैं कोशिश करूंगा सरल भाषा में समझा दूं आपको। फैक्टरिंग जो है एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, अ टाइप ऑफ द डेटर फाइनेंस इन विच एक बिजनेस जो है वो सेल करता है अपने अकाउंट्स को, रिसीवेबल इनवॉइस को थर्ड पार्टी, ठीक है ना। जैसे कि यहां पे बात करते हैं कुछ इस तरीके से, लेट अस ट्राई टू टॉक। ये एक कंपनी है ए, ठीक है ना, कंपनी ए जो है कंपनी बी को, इसको देने हैं आपके पास में 1 लाख रुपीज। कितने हैं सर? कंपनी बी एक लाख रुपए इससे मांगती है, 1 लाख रुपए, ठीक है सर। अब इस कंपनी के पास में 1 लाख रुपए नहीं है, पर इसके पास में क्या है, बिल है, क्या है, इनवॉइसेस है, 1-1 हजार के बेसिकली क्या है इसके पास में, सपोज 110 इनवॉइस है तो लगभग इसके पास में 1 लाख 1 लाख 10 हजार रुपए इसके मार्केट में लोगों से बाकी है। कोई सोहनलाल है, कोई मोहनलाल है, कोई कृतिका है, कोई ऋषिका है, कोई रितिका है ना, कईयों से यहाँ पे बेसिकली क्या है आपके पास में अलग अलग यहाँ पे इनके इनवॉइसेस बाकी है, ये पैसा मांगता है उसके अंदर, ठीक है ना। अब ये कह रहा है भैया मेरे पास अभी 1 लाख रुपए तो है नहीं, पर मैं तुमको क्या दे देता हूं, यहाँ पे ये जो इनवॉइसेस है ये मेरे से खरीद लो। वो कह रहा है चलो ठीक है भैया, आप 1 लाख रुपए नहीं दे सकते तो मेरे को इनवॉइसेस दे दीजिए। तो इसमें से जो 1 लाख रुपए के इनवॉइस है ये सपोज इसको 90,000 के अंदर खरीद लेगा, पर इस इक्वेशन को सेटल कर देगा, ठीक है ना। तो ये चीज समझ में आई आपको, पैसा नहीं दे करके जो इनवॉइसेस हैं जो ये कंपनी मांगती है लोगों में, यह इनवॉइस इसको बेच दिए, अब यह कंपनी ये पैसा वसूल करेगी लोगों से। खरीदा कितने में? 90,000 में, मिलेगा कितना? 1,10,000। तो यह भी एक सेटलमेंट सिस्टम होता है, कोई कंपनी अपने अकाउंट्स के इनवॉइस किसी थर्ड कंपनी को बेच देती है अपने डेट को सेटल करने के लिए। किसके लिए दोस्तों? डेट को, ऋण को, है ना, लोन को सेटल करने के लिए। क्या मैं समझा पा रहा हूं मेरे दोस्तों को? एम आई एबल टू टीच यू गाइस? एडवोकेट दीपक, ममता, नीरज, क्या समझा पा रहा हूं आपको बहुत ही क्लियर वे में? ये है फैक्टरिंग। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? दिस थिंग इज नोन एज द फैक्टरिंग। इसको फैक्टरिंग के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। तो फैक्टरिंग के अंदर यहां पे एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है ना। लोकसभा ने अभी हाल ही में एक बिल पास किया, रिसेंटली फैक्टरिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल आया है 2021, ठीक है ना। द बिल सीक्स टू परमिट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जो एनबीएफसी होती है, नॉन बैंकिंग मतलब बैंकिंग का काम नहीं करती है, बैंकिंग जैसे आपके पास में
क्रेडिट का, डेबिट का, लोन का सब काम करती है, इनका काम वो नहीं है, एनबीएफसी है। ये डिपॉजिट्स तो लेते हैं पर यहाँ पे ये बैंकिंग का काम नहीं करते। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो भी हैं, अदर देन दोज हु आर प्रिंसिपल बिजनेसेस फैक्टरिंग टू डिस्काउंट इनवॉइसेस ऑन द ट्रेड्स प्लेटफॉर्म, तो ये ट्रेड्स प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे अपने इनवॉइसेस बेच के पैसा कमा सकते हैं। दिस हेल्प्स द एमएसएमई टू टेकल द प्रॉब्लम ऑफ द डिलेड पेमेंट। कई बार क्या होता है, जो एमएसएमई, जो छोटी छोटी कंपनियां होती है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, इनके पास में क्या होता है, पैसा देरी से आता है, पैसा देरी से आता है। सपोज इन्होंने कोई सामान बेचा, सरकार को बेच लिया, सपोज गवर्नमेंट को ही बेच लिया, सर बिल बना 10 लाख रुपए का। अब 10 लाख का इनके पास इनवॉइस तो इनको पता है, अभी नवंबर का महीना है, जनवरी में मेरा पैसा आएगा, पर अभी दिसंबर से इनको क्या करना है, वापस प्रोडक्शन शुरू करना, कच्चा माल चाहिए, लेबर को पेमेंट करना है, किराया, इलेक्ट्रिसिटी सब के लिए, पैसा कहां से लाए? पता है इनको कि 10 लाख रुपए आएगा जनवरी में, पर अगले 2 महीने के अंदर पैसा कहां से निकाले? तो ये क्या करेंगे, अपने उसी रिसीट को कि सर मेरे पास में 10 लाख रुपए आने वाले हैं, इसी रिसीट को इस ट्रेड प्लेटफॉर्म पे बेच सकते हैं, इनवॉइस को बेच सकते हैं। कोई भी आदमी इस इनवॉइस को खरीदेगा ट्रेड प्लेटफॉर्म से, और बेसिकली वो क्या कहे, यहां पे 10 लाख, मैं आपको 9.5 लाख अभी दे देता हूं। वो कहेगा ठीक है भाई, देव मेरे को 9.5 लाख दीजिए, और आप 2 महीने बाद में बेसिकली 10 लाख वहां से एमएसएमई से, जहां से सरकार से पेमेंट आना है, आपको आ जाएगा। सर समझ पाए, यहाँ पे फैक्टरिंग है, ये क्या कहते हैं इसको, फैक्टरिंग। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अभी हाल ही में एक नया बिल आया है जो एनबीएफसीज और एमएसएमईज को यहाँ पे फैक्टरिंग प्रोसेस के लिए अलाउ करने वाला है, कि जो उनकी जो बिल्स हैं वह इस ट्रेड प्लेटफॉर्म के ऊपर इनवॉइसेस को बेच सकेगा, एक सब्सिडाइज्ड कॉस्ट के ऊपर, एक डिस्काउंट के ऊपर, ठीक है ना। तो हर कोई खरीदने की कोशिश करेगा ना इसको, नीरज जी, स्वाली हाँ जी। देखो मेरे को पता है आप लॉ के और मैं साइंस का आदमी हूं और ये इकोनॉमी का विषय है, परंतु लेमैन जितना साधारण भाषा में मैं बता सकता हूं मैंने कोशिश की। अगर कोई डाउट हो प्लीज टाइप करना, मैं जरूर बताऊंगा वापस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय ने इट इज टू सेटअप द नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है ना, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के अंदर पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनने वाला है विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र का। कहां बनेगा ये, असम, सिक्किम, अरुणाचल अथवा मेघालय के अंदर? कहां बन रहा है ये, स्वालिहा जी, नीरज जी, नशीरा, जस्ट लेट मी नो द आंसर। सभी विद्यार्थी इसका आंसर देने वाले हैं। सर इसका हिंट दे देता हूं, जहां पे ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, पहला पॉइंट तो ये, ईटानगर नाम का प्रदेश इसके अंदर है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी यहां पे है, इसकी बॉर्डर चाइना से लगती है, काफी लोग जो हैं बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं यहां पे। कौन सा है सर, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो है, अभी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है यहां पे, क्या नॉर्थ ईस्ट का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है बनाने वाली है। ऑब्वियसली विज्ञान और तकनीकी से रिलेटेड रहने वाला है सर ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय ने हाल ही में पहला अपने जैसा जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नॉर्थ ईस्ट के अंदर बनाने की बात की है। ये कहाँ होगा, अरुणाचल के जो है पापुमपुरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है, किमिन एरिया के अंदर, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करेगा केंद्र सेंटर ऑफ द बायो रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेंक्शन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो डीबीटी जो है ना हमारा, जैव प्रौद्योगिकी है ना, तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, विभाग है, इसके द्वारा ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। यहाँ पे नई बिल्डिंग बनाई जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, लगभग 50 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगा मंत्रालय। सर नॉर्थ ईस्ट का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, बहुत ही अच्छी न्यूज है सर ये हमारे लिए, है ना, अच्छी न्यूज है या नहीं है, अच्छी न्यूज है या नहीं है। चलिए आगे यहाँ पे नाम बताया जा रहा है कि एक ऐसा डिजिटल इकोसिस्टम एग्रीकल्चर सेंटर में इज बीइंग क्रिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द एग्रीकल्चर। उसका नाम क्या है, What is the name of the digital ecosystem of agriculture created by Ministry of Agriculture? अभी हाल ही में कृषि मंत्रालय के द्वारा डिजिटल फॉर्म में एक इकोसिस्टम बनाया गया है एग्रीकल्चर के लिए। सर इकोसिस्टम का क्या मतलब है, पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी का क्या मतलब है, एक वस्तु दूसरे वस्तु पे, एक जीव दूसरे जीव पे, एक जैविक और अजैविक चीज एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, वही तो पारिस्थितिकी होता है, परस्पर संबंध एक दूसरे का, ठीक है ना। तो यहां पे एक डिजिटल जो है इकोसिस्टम बनाया गया है एग्रीकल्चर के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने क्या नाम दिया उसका, एग्रीस्टेक, एग्रो इंडिया, आत्मनिर्भर एग्री और किसान स्टेक, क्या नाम दिया गया, जल्दी से बता दो, एवरीवन विल प्लीज पार्टिसिपेट, आई लुक फॉरवर्ड फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन सर एंड मैम।
Let me have some water. Then we are going forward with the class. Yes. राइट सर, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आपके पास में एग्रीस्टैक की। सर एग्रीस्टैक क्या है? एक तरह का डिजिटल इकोसिस्टम है, ठीक है ना। हाल ही में हमारे कृषि मंत्रालय ने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया है एग्रीस्टैक नाम से। इट इज अ डिजिटल इकोसिस्टम फॉर एग्रीकल्चर इन द कंट्री। इट एम्स टू हेल्प द गवर्नमेंट इन इफेक्टिव प्लानिंग टुवर्ड्स द इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ द फार्मर, इंप्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। हाल ही में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है कि गवर्नमेंट इज एमिंग टू क्रिएट नेशनल फार्मर्स डेटाबेस यूजिंग द डिजिटाइज लैंड रिकॉर्ड टू प्रोवाइड द पर्सनलाइज सर्विसेज ऑफ द फार्मर। तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं आपके पास में, सरकार कह रही है कि हम एक नेशनल फार्मर डेटाबेस बनाएंगे। सारे किसानों का एक डिजिटल डेटाबेस बनेगा कि उनके पास में कितनी जमीनें हैं और उनका पर्सनलाइज सर्विसेज मिलेगी फिर फार्मर्स को, है ना। तो यह है आपके पास में एग्रीस्टैक, है ना। एक तरह का इकोसिस्टम बनाया गया एग्रीकल्चर की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, फार्मर्स की इनकम को बढ़ाने के लिए, प्लानिंग को यहाँ पे थोड़ा सा किया जाए, है ना। जब हमको पता होगा किसके पास कितनी जमीन है, कौन मालिक है, किसको कितना पैसा जाना है, कितनी किसकी सब्सिडी जानी है, एग्रीस्टैक एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा बनाया गया। आर वी क्लियर विद दैट? ओके, शाबाश। मूविंग अहेड सर, विच मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद द इंडियन साइकिल्स फॉर द चेंज चैलेंज? तो हाल ही में साइकिल्स फॉर चेंज करके एक आपके पास में क्या है, एक चैलेंज आया है। कौन से मंत्रालय के द्वारा यह चैलेंज लेके आया गया है सर? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। जल्दी से जवाब देंगे। यस सर, यहां पे हम बात कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की। तो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है शहरी मामलों का मंत्रालय, इन्होंने हाल ही साइकिल फॉर चैलेंज जो है, साइकिल फॉर चेंज चैलेंज जो है 2020 के अंदर लाया था। इसमें क्रिएट किया जाएगा साइकिल फ्रेंडली इनिशिएटिव पूरे भारत के अंदर। यह मंत्रालय कह रहा है कि हम ऐसे 11 सिटीज को अवार्ड करने वाले हैं टाइटल ऑफ इंडिया टॉप 11 साइकिलिंग पायनियर्स, है ना। विद दिस द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द फर्स्ट सेशन हैज स्टार्टेड। जो टॉप 11 सिटीज हैं, ये लगभग 1 करोड़ रुपए इनको हर सिटी को दिया जाएगा साइकिलिंग इनिशिएटिव के लिए। द साइकिल्स फॉर द चेंज चैलेंजेस लॉन्च इन द फर्स्ट रिपोर्ट द डॉन ऑफ इंडिया साइकिलिंग रेवोल्यूशन सीजन 2 ऑफ द चैलेंजेस हैज आल्सो बीन स्टार्टेड। तो यहाँ पे साइकिलिंग को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके लिए रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाने की बात की जा रही है सर मैम। आई होप दैट वी आर वेरी मच कूल एंड क्लियर विद द सेम इंफॉर्मेशन, राइट। राइट, मूविंग अहेड सर, आई होप यह क्लास आपको पसंद आ रही है और समझ में भी आ रही है। अगर हाँ तो इस क्लास को प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर देना, दैट विल बी अ ग्रेट सपोर्ट फ्रॉम योर साइड, ठीक है। बहुत ही जल्दी हम आपके लिए प्लस कोर्स लेके आएंगे जहां पे लाइव आपको पढ़ाया जाएगा, बहुत ही प्लान और एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपको कोर्स अवेलेबल करवाया जाएगा। वी विल ट्राई टू ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि आपको एक मिनिमम प्राइस के अंदर बेसिकली क्या मिल सके, एजुकेशन मिल सके घर से, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से आप सीख पाए लाइव। और यहाँ पे आपकी लाइव क्लासेस जो होने वाली है उसके साथ साथ क्विजेज होंगे, टेस्ट होंगे, ताकि आप अपनी, कहते हैं ज्ञान का होना सब कुछ नहीं, ज्ञान को परखना भी जरूरी होता है, ठीक है ना। इट्स नॉट अबाउट हैविंग द नॉलेज, रेदर इट इज ऑल्सो अबाउट यूजिंग द नॉलेज। तो यह एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में आपको क्लासेस मिलने वाली है। एंड गोज विदाउट सेइंग यहाँ पे आप क्या कर पाएंगे, यू विल बी एबल टू गेट द 10% डिस्काउंट ऑल्सो बाय यूजिंग द विदिस 10 कोड। तो जब आप प्लस कोर्स को सब्सक्राइब कर रहे हैं या अनअकैडमी के किसी भी फ्री फीचर्स को आप अवेल करना चाहते हैं, जो लॉक्ड फीचर है, आप विदिस 10 कोड को यूज कर सकते हैं, यहाँ पे 10% डिस्काउंट भी आपको एंश्योर होगा। बहुत ही जल्दी हमारी लिंकिंग टीम जो है आपके लिए एक जुडिशियल लिंकिंग बैच लेके आ रही है, जिसमें कि लॉ और नॉन लॉ पार्ट जो है दोनों आपके कवर करवाए जा रहे हैं। जीके का पोर्शन मेरे द्वारा कवर किया जाएगा। यह बैच 27 तारीख को शुरू होने वाला है। इंडिया के अंदर 18 से ज्यादा राज्यों के अंदर जो है जो जुडिशरी के एग्जामिनेशन है, वहां प्री और मेंस के अंदर जो है करंट अफेयर्स और जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो प्लीज आप इन क्लासेस को जरूर अटेंड कीजिएगा, दे विल डेफिनेटली बी हेल्पिंग यू आउट। और इस महीने से 27 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक 5 आपकी क्लासेस मैंने यहाँ पे प्लान कर रखी है। इन 5 के 5 लेसन को आप जरूर अटेंड करिएगा, ठीक है ना सर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, ज्योग्राफी और पर्सन, प्लेसेस, इवेंट, सारी की सारी नेशनल, इंटरनेशनल, न्यूज, स्टैटिक, जीके, सबके सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में सीखने को मिलेंगे मेरे साथ इस क्लास के अंदर। जल्दी से प्लस क्लास को
सब्सक्राइब कीजिए और इस प्लस कोर्स को यहां पे एनरोल जरूर कीजिए। आप एनरोल करेंगे तभी आप यह क्लासेस देख पाएंगे, ठीक है ना। जल्दी से इसको सब्सक्राइब कीजिए अगर आप यहां पे सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीरियसली, आई मस्ट टेल यू दैट आपको हमारी क्लास के साथ साथ में और क्या क्या मिलने वाला है, जो अदर फैकल्टीज की, जैसे हमारा जुडिशियरी लिंकिंग और रैपिड रिविजन बैच तो है ही, एक्सेल बैच, लॉ फॉर ऑल, प्रिपरेटरी एक्सपर्ट और कॉम्प्रिहेंसिव जुडिशियरी बैच, यह सारे बेस्ट फैकल्टीज के भी जो आपके कोर्सेज हैं, उन सबके भी कोर्सेज आपको मिलने वाले हैं सेम प्राइस, अलग से कोई प्राइस नहीं है। इसी प्राइस में, इसी 2000 रुपए की मंथली ईएमआई के आसपास में आपको यह सारे क्लासेस भी मिलने वाली हैं, ठीक है। अच्छा, इस शाम को 4 बजे एक स्पेशल क्लास है, वह जरूर अटेंड करनी है, ठीक है ना। उस स्पेशल क्लास को अटेंड करने के अंदर बेसिकली आपको पोल्स होंगे, आप क्विज के अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अगर आप प्लस सब्सक्राइबर हैं, एक वॉइस का ऑप्शन होता है जिसमें आप एजुकेटर से बात कर पाएंगे, अपने डाउट्स को सॉल्व करवा पाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन रेज द हैंड ऑल्सो, आपके डाउट भी सॉल्व हो पाएंगे। लेक्चर की पीडीएफ लेक्चर के अंत में आपको मिलने वाली है, ठीक है ना। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। कल वापस सुबह मिलने वाले हैं 9 बजे अनअकैडमी लॉ चैनल पे, जहां पे मैं द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस के एनालिसिस देने वाला हूं आपको। और शाम को वापस मिलने वाले हैं, दोपहर को मिलेंगे वापस 1 बजे यहां पे इस प्लेटफॉर्म पे। आज क्लास 2 बजे शुरू हुई क्योंकि यहां पे कुछ टेक्निकल इश्यू था इंटरनेट का, तो कल यहां पे दोपहर को 1 बजे क्लास होने वाली है, जहां पे हम जुडिशियरी से रिलेटेड एमसीक्यूज फॉर स्टैटिक जीके करंट डिस्कस करेंगे वापस। और आज शाम को 4 बजे एक स्पेशल क्लास है, उसको जरूर अटेंड कीजिएगा। अनअकैडमी एप्लीकेशन पे ये क्लास होने वाली है, टेलीग्राम चैनल में आपको लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है ना। और अनअकैडमी लॉ और जो टेलीग्राम हैंडल्स आएगा आपको पता ही है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक होगा, उसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा एक बार, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। यह क्लास कैसी लगी ये जरूर आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपका फीडबैक ही मेरी रियल करेंसी है, आपका सपोर्ट एक्सपेक्टेड है, ठीक है। थैंक यू सुअलिहा जी, भारती जी एंड एवरी वन ऑफ यू, अपना फीडबैक जरूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू, मिलते हैं वापस एक एनर्जेटिक सेशन के साथ में शाम को 4 बजे अगले 50 मिनट। थैंक यू, जय हिंद।